मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीव, विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। टुडे इज़ अ कंप्लीट नॉवल नेम्ड एज देर लगी आने में लेकिन, बाय रिजवाना इरशाद अहमद। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब जिया ना जाए, अब रहा ना जाए, कोई तो हो जो आँखों के रास्ते चुपके से दिल में बस जाए। वो बड़े मगन अंदाज में आंखें बंद किए बैट को गिटार के अंदाज में अपने आगे किए उंगलियां थिरकाता गुनगुना रहा था, जबी अंजला ने उसके सर पर अपनी फाइल मारकर उसका इर्तकाज तोड़ दिया। ये क्या जिया जिया की रट लगाई हुई है, अगर बिग बी सुन लेना तो अपनी अमानत में खयानत के जुर्म में सर समेत तुम्हारा गला घोंट कर घर से बाहर निकाल खड़ा करेंगे। उसकी खशमगी नज़रों के जवाब में अंजला ने हमले की वजह बयान की। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है, अगर ऐसे ही जिया उनकी जान होती तो कदर करते उसकी, ऐसे बेहाल और अनजान न फिरती है। उसकी बात पर करीब बैठी जिया, जो उससे फरमाइश करके गाना सुनने बैठी थी, फौरन रुख मोड़े टीवी पर नज़र जमा बैठी। सिप्तैन, उसके चेहरे का बदलता रंग देखकर अंजला ने सिप्तैन को तंबीहन घूरा। वो सर झटक कर रह गया। बसीत की नाइंसाफ़ी से सभी वाकिफ़ थे, मगर सिप्तैन किलस कर इजहार करता रहता था, जिससे जिया अपनी ही नज़रों में चोर हो जाती। चलो सिप्त में तैयार हूँ। कल्फ लगा दुपट्टा और बैग पकड़े तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए अरसला ने कहा, तुम्हारी घंटा भर की तैयारी मेरी तैयारी खाक में मिला देती है। वो जल भुन कर खड़ा होते हुए बोला। अरसला सर झटक कर बेनियाजी से अपने शानों पर दुपट्टा सेट करती रही। अब चलो भी या घूरते ही रहोगे, उधर प्रोड्यूसर साहब का पारा सवा नेजे पर पहुंच चुका होगा। सिप्तैन ने एक गहरी नज़र उसे भर कर देखा, फिर गहरा सांस भरा। उसकी निगाहों की तपेश कभी भी अरसला को झिझक में मुब्तला ना कर सकी, जिसका मतलब था वो उसके जज्बों से अब तक नावाकिफ है। प्रोग्राम शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया था। अरसला पर घबराहट तारी हो गई। सिप्तैन तो सीनियर था, मगर उसे स्टूडियो पहुंचकर ऑन एयर होने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता था, गो वो घर से ही टॉपिक्स पर काम करके आती थी, मगर यहां आकर क्यू शीट देखकर सिंगर्स के बारे में इजहार राय करने में उसे दुश्वारी होती थी कि सिंगर्स के बारे में उसे किसी किस्म की कोई मालूमात में भी कभी दिलचस्पी ना रही थी। ये तो फरागत के दिनों से उकता कर वो सिप्तैन के पीछे पड़ गई थी कि वो भी पत्नी क्या करेगी। सो वो अभी सीखने के मरहले में थी। रोज़ाना इवनिंग शो वो सिप्तैन की मैयत में कर रही थी। सिप्तैन से उसे काफ़ी सहारा था। सिप्तैन का अंदाज़ी गुफ्तगु और दिलकश आवाज़ उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देती थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते बिलाखिर वो अपने ही दुपट्टे में उलझ गई। आई एम सॉरी सिप, मैं इससे पहले कि वो वापस नीचे को लुढ़कती, दो बाजुओं के घेरे ने पीछे से उसे संभाला। तब वो बोलते हुए चिटकी, चेहरे पर संजीदगी की छाप लिए दराज कद और चौड़े शानों वाला वजीह हिस्सा बंदा सिप्तैन नहीं, कोई और था। उसने निगाहें घुमाकर सिप्तैन को राहदारी में आगे जाते देखा और खिफ्फत से अपना आप छुड़ाती पीछे हटी तो दुपट्टा शानों से एक झटके से अलहदा हो गया। अरसला ने दुपट्टा संभालते हुए खींचा। पीछे खड़ा बंदा जो उसके आगे बढ़ने के इंतज़ार में था, उसकी निगाहों के ताकुब में अपने जूते के नीचे दबे उसके दुपट्टे का सिरा देख कर तप गया। मोहतरमा, पहले दुपट्टा ओढ़ने का ढंग सीखें फिर बाहर निकलें, अपना पांव दुपट्टे से हटाते हुए वो बोला। मुसलसल उसे खड़खड़ाता दुपट्टा शानों पर जमाते देखकर उसे कोफ्त हुई थी। अरसला को दिल ही दिल में उसके तंग मजाजी पर गुस्सा तो आया था, मगर उसकी संजीदगी देखकर लब दबाए खामोशी से सिप्तैन के पीछे भागी। जिया बेटा, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? उसे लाउंज में टीवी के आगे गुमसुम बैठे देखकर बड़ी अम्मा ने ताज्जुब से इस्तफसार किया था। उनके ख्याल में वो
रयात के साथ ही यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। नहीं बड़ी अम्मा, मेरा मूड नहीं था, वो बेजारी से बोली। तबीयत तो ठीक है ना? वो फिक्रमंद हुई। इसकी तबीयत को छोड़े मामी जान, वो आपने शेर तो सुना ही होगा, ना दीद है ना सुखन, अब ना हर्फ है ना प्याम, कोई भी हिला तस्कीन नहीं और आस बहुत है, उम्मीद है यार, नज़र का मजाज, दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है, बस ऐसा ही कुछ हाल हमारे बिग बी की गैर मौजूदगी में जिया का है। पास ही बैठी मुख्तलिफ मैगजीन के ज़रिए आज के टॉपिक के लिए होमवर्क करती अरसला शोखी से गोया हुई थी। बड़ी अम्मा के सामने उसकी इस जसारत पर जिया उसे घूर कर रह गई, जबकि बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए पलट गई थीं। तुम्हें बड़ी अम्मा से ऐसी बात करते शर्म आनी चाहिए, जिया ने खुफकी से एक मैगजीन उठाकर उसके सर पर दे मारा। और तुम्हें बिग बी की ममा को बड़ी अम्मा बोलते शर्म नहीं आती? क्या करूं, हमेशा की आदत है। वो हाथ मलते हुए पशेमा हुई, अरसला चिढ़ गई। एक तो तुम्हारी ऐसी ही डरी सहमी अदाओं ने बिग बी को सर चढ़ाया हुआ है, ऐसा आखिर कब तक चलेगा जिया? बिग बी को एहसास होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अपनी ना आसूदगियों का बदला एक कमज़ोर हस्ती से लेना उन्हें जेब नहीं देता। अब तो उनका रूड बिहेवियर सबके इल्म में आ चुका है। वो तल्ख हो गई। तुम लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा हसास हो रहे हो अरसला, इसीलिए तुम लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। मारे बेबसी के वो लफ्ज़ों का सहारा लिए उसे बहला रही थी। बहुत कोशिश की थी उसका भरम कायम रहे, मगर कब तक? 4 से 6 माह, उससे ज़्यादा वो कामयाब ना हो सकी थी। तुम जब तक खुद आगे बढ़कर बिग बी को अपने वजूद का एहसास नहीं दिलाओगी, वो शराबों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे। उन्हें झंझोड़ो जिया, अपना हक मांगो। अगर मैं हकीकत हूँ तो हकीकत अपना आप मनवा कर रहती है, हकीकत से नज़रें चुराना इतना आसान नहीं होगा। फिर अपना आप प्लेट में सजा कर ज़बरदस्ती पेश करने का फ़ायदा? मैं खुद को इतना डिग्रेड नहीं कर सकती, अरसला। इस तरह वसीत पर दस्तरस्त हासिल करके मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊँगी। यह भी तो हो सकता है उनके नज़दीक किसी और का वजूद एक मुसल्लिम हकीकत हो और मैं शराब। तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ लड़की हो और कुछ नहीं, अरसला को उससे बहस करना फजूल लगा। जिया यूनिवर्सिटी से लौटी तो बेहद थकन महसूस कर रही थी। घर में दाखिल होते ही उसका जी चाहा अपने कमरे में जाकर लंबी तान कर सो जाए, मगर उसी दिल को कुछ और भी जस्तजू थी। वो लाउंज में आई तो अंदर का मंजर उसकी तवक्को के बरखिलाफ था। सिपतैन जमाया लेता पैर पसारे कालीन पर दराज था। अरसला किसी बात पर उसे लड़ रही थी। अंजला मोटी सी बुक खोले उस पर नज़रें जमाए बैठी थी, मगर उसे इल्म था। संजीदा सी अंजला का सारा ध्यान फिल वक्त सिपतैन की जानिब होगा। बहुत छुपाने के बावजूद अलूही जज्बों का एक नन्ना सा जुगनू सिपतैन को देखते ही उसकी आंखों में दमकने लगता था। और सिपतैन की आंखों के सारे रंगों से सिर्फ अरसला का अक्स ही मुनक्किस होता था। थी ना हैरानगी की बात? और इस बात से अरसला की छोटी बहन अंजला बखूबी वाकिफ थी। क्या किया जाए कि मोहब्बत तो खुद बखुद हो जाने वाला जज्बा है। दर्द दिल से अंदर कयाम के लिए उसे कुफल खुलने की ज़रूरत होती है ना इजाज़त। मोहब्बत तो बिना मर्जी के जिससे भी हो जाए, उसके लिए दिल के रास्ते, आँखों की ज़मीन सबसे पहले आबाद करती है। इस ज़मीन पर ख्वाब उगाती है, ख्वाबों की परवरिश करती है, और आंखें उन ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए हर दम कोशां क्रिसमस ट्री की मानंद एक अक्स के लिए जगमगाती रहती हैं। जिया को दुख होता था इस मोहब्बत पर जो उसे हुई, जो मोहब्बत अंजला ने सिपतैन से की, और उस मोहब्बत पर जो सिपतैन अरसला से करता है। क्या अंजाम होगा इन मोहब्बतों का? क्या कोई भी कुछ हासिल कर पाएगा? वो सोचती। रयात उस लाउंज में नहीं थी। वो बड़ी अम्मा और चची अम्मा यकीनन अपने कमरों में आराम कर रही होंगी। जिया ने रिमोट की तलाशी में नज़रें दौड़ाईं और फिर सोफे पर पड़ा रिमोट उठाकर वो टीवी के बेहद करीब कुशन पर बैठ गई। उसने चेंज किया ना खाना खाया।
हालांकि खाने की तलब भी हो रही थी, किताबें और शूज़ भी उसने अपने ठिकाने ना रखे थे। टीवी ऑन करके उसने हत्तुल वसी वॉल्यूम धीमा ही रखा कि कोई और डिस्टर्ब ना हो, ना कोई उसकी जानिब मतवज्जा हो। मसीत यूनिवर्सिटी की जानिब से एक दो रोज़ सेमिनार्स में शिरकत के लिए इस्लामाबाद गए हुए थे। उसी सेमिनार की रिकॉर्डिंग दोबारा टेलीकास्ट की जा रही थी और इस बात का यूनिवर्सिटी में ही उसे पता चला था। और अब वो टीवी के आगे बैठी थी। उस सेमिनार का मौजू था इस्लामी माशरे के अखलाकी पहलू और हर कोई अपने अपने अल्फाज में इजहार राय कर रहा था। फिर उस शख्स की बारी आई जिसने जिया हैदर के दिल पर कमांद पता नहीं क्या होता है डाली थी, मगर अनजान था। यहाँ तक कि वो जिया वसीत बनकर भी तिश्ना रही। वो वसीत के लबो लहजे के उतार चढ़ाव और आवाज़ के सहर में डूबी हुई थी। इखलाक का मतलब बेनस्ती की है कि इंसान के वो सारे मामलात जो वो अपने घर में रखता है, माशरे के लोगों से रखता है, वहाँ उसका रवैया ऐसा हो जो उसके अंदर के इंसान के साथ साथ मुतल्लिका लोगों को भी मुतमईन और खुश रखे। यही इस्लाम का असूल भी है। वसीत, आपके कौल व फेल में इस कदर तजाद क्यों है? मेरे सामने आकर ये इखलाक कहाँ मिनहा हो जाता है? जिया का दिल दुख से भर गया। कहते हैं मर्द के इखलाक के सबसे पहले हकदार उसके घर वाले, उसके बीवी बच्चे होते हैं। अब बिग पी को कौन ये बात समझाए? सिप्तैन जाने कब उसके पास आ गया था। उसकी सोचों को पढ़कर वो जहर खुन लहजे में बोला तो जिया चौंक गई। उसने टीवी ऑफ कर दिया। बिग बी सिर्फ इखलाकियात का सबक पढ़कर सेमिनार में तकरीरें ही कर सकते हैं, अमली मुजाहरा उनसे इबस है। स्टॉप इट सिप, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ये तुम कह रही हो? सिप्तैन ने बेयकीनी से उसे देखा। दिल से राजी ना होने के बावजूद महज किसी के सामने अपनी अना की तस्कीन के लिए उन्होंने एक बेकसूर लड़की को सजा के लिए मुंतखब कर लिया। ये इखलाकी गिरावट नहीं है तो और क्या है? मीडिया के सामने इखलाक का गुण गाने वाले शख्स का घर में तुम्हारे साथ जो रवैया है वो सब जानते हैं। हम तो खैर उनकी कम सतही के आदि हैं, मगर तुम बीवी हो उनकी, तुमसे दूर होना उन्हें जेब नहीं देता। किसकी आस पर वो तुम्हारी तजलील करते हैं? अगर उन्हें अपनी पावर का एहसास है तो तुम्हें भी यूं चुप नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो वो चाहते हैं मैं वो होने नहीं दूंगा। उसके इतनी ज़्यादा अपनी परवाह करने पर जिया की आंखों में आंसू भर आए थे। वो अपनी बहन पे उसे फौकियत दे रहा था। ये बात उसे हौसला तो दे सकती थी मगर उसका मसला हल ना कर सकती थी। रात सोचों का हजूम था, बेचैनी थी। वसीत के दिल और ज़िंदगी में वो कहीं नहीं थी, मगर वसीत तो उसके रोम रोम में बसता था। वो दिल से उसका ना हुआ मगर उसके पास तो था। ये एहसास ही सुकून आमेज था। कजा के अब वो ये एहसास भी उससे छीन लेना चाहता था। जिया को इल्म था, इस घर के मकीन उससे मोहब्बत करते हैं सो उसका साथ देंगे, मगर वो भी इसी घर के मकीनों का लाडला है। वो अपनी मनवाने की ज़िद पर आ जाए तो भला जिया की क्या हैसियत रह जाएगी? और ये तो तय है कि वो ये घर नहीं छोड़ सकती, वसीत के बिना नहीं रह सकती। जिया करवट पे करवट बदल रही थी। वसीत को गए 5 दिन हो गए थे। उन्हें कल ही वापस आ जाना था मगर किसी काम की वजह से रुक गए और इन 5 दिनों में ही जिया को लगा उसका वजूद खाली खाली सा हो गया है। उसकी सारी तवानाई वो अपने साथ ले गए थे। जाने कब करवटें बदलते उसे नींद आ गई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह गहरी नींद में थी। वसीत ने उतारा हुआ कोट अपनी कलाई पे डाल के वॉलेट से कमरे की चाबी निकाली और लॉक खोल कर अंदर कदम रखा तो कमरे के अंधेरे से मानूस होने में उन्हें कुछ पल लगा। फिर वो सीधा वार्डरोब की तरफ बढ़े और अपना स्लीपिंग सूट लेकर वॉशरूम में बंद हो गए। चेंज करके अपने थके हुए वजूद के साथ वो बेड की तरफ आए तो जिया को आड़ा तिरछा बेड पर लेटा देख कर उनकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। दोनों तकिए उसके सर के नीचे इस तरह रखे थे कि वो निकाल भी ना सकते थे। कुछ देर सोचते रहने के बाद वो सोफे की तरफ बढ़ गए, मगर सोफे पर बेआरामी की वजह से काफ़ी देर तक उन्हें नींद ना आई तो उठ बैठे। सोफे के तूलो अर्ज को घूरते हुए सोचा,
जिया मुसलसल एक साल से किस तरह इस सोफे पर सो रही है। तुमसे शादी मैंने महज इर्सा के इनकार की जिद में की है जिया। तुम इस घर में मेरी बीवी बनकर ज़रूर रहोगी, मगर मेरे वजूद, मेरे जहन, दिल और उनमें बसने वाले जज्बों पर, जिसे मोहब्बत कहा जाता है, सिर्फ इर्सा का हक है। मैं तुम्हारी खारजी ज़रूरियात ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा की तवक्को मुझसे मत रखना। मसीद को याद आया शादी की पहली रात उन्होंने जिया से क्या कहा था। वो चेंज करने के बाद अपना तकिया उठाए सोफे पर सोने की कोशिश कर रहे थे जब वो उनके सराहने आ खड़ी हुई थी। धोखे दही और मुनाफ़कत से औरत को अपनी मलकियत बनाकर उसकी हक तलफी करना, अगर मर्द की सरशत है तो औरत के खमीर को भी वफा से गूंदा गया है। व्हाट डू यू मीन? वो भड़क कर उठ बैठे। एक औरत से मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर आप वफा कर रहे हैं तो दूसरी से मुनाफ़कत, क्या गलत कहा है? शट अप, जस्ट शट अप। अगर तुम्हें एतराज था तो इनकार कर दिया होता, तुम जानती तो थी। एक के इनकार के बाद आपने मुझे मुश्क सितम बनाने को चुन लिया। अगर मैं भी इनकार कर देती तो इस इनकार का बदला किससे लेते? उसकी बात पर वो खशमगी निगाहों से उसे घूरते रहे। उन्हें अंदाज़ा ना था इस कदर खामोश गुमसुम रहने वाली नर्म हूसी जिया इस तरह उनसे सवाल करेगी। हो सकता था वो उस रात उनके रूबरू ना खड़ी होती तो उनके दिल में उसके लिए गुंजाइश निकल ही आती, मगर वो उससे ऐसे बरगश्ता हुए कि फिर दोबारा उसकी तरफ ना पलटे। उनके नज़दीक जिया ने उनकी इंसल्ट की थी, सो उसके लिए उनके लहजे में सर्द मोहरी सी डर आई थी। उधर उस दिन के बाद से जिया ऐसी चुप हुई कि उसकी चुप ना टूटी। वसीत उसे झड़कने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते, और वो अपने तीर आजमाएं हम अपना जिगर आजमाएंगे की मिसाल बनी हुई रहती। सिर्फ एक रात उन्होंने बड़ी मुश्किलों से सोते जागते सोफे पर गुजारी। दूसरे दिन से वो अपना तकिया और चादर उठाए खुद सोफे पर जा सोई और वो आराम से बेड पर सोने लगे। सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी की रातों में ही जिया बेड पर सोती थी। आज भी गालिबन उसे उम्मीद ना थी कि वो आ जाएंगे, सो वो उन्हें ऐसी बेखबर सोई हुई मिली। पुरसकून नींद की ख्वाहिश में उन्होंने एक बार फिर बेड की सिमत देखा। उसके वजूद और लिबास की बेतरतीबी बड़ी वाजिया थी। सियाह जॉर्जेट के सूट में और कमरे के मुलगजे अंधेरे में उसका वजूद चांद की मानंद दमक रहा था। दुपट्टा नदारत ब्रैकेट, अमूमन वह उनके सामने दुपट्टे के बिना नहीं रहती थी। सीने पे धरे बाजू में सियाह चूड़ियाँ और गले में मौजूद सोने की जंजीर में छोटा सा लॉकेट जो शानों तक झलक आया था। दीवार गिर लैंप की मध्यम रोशनी में उन्होंने आज पहली बार उसके कमसिन हुस्न की दिलकशी और रानाई महसूस की थी। वो उसके सिमत आए, उसके सुनहरी रुखसारों पे झुकी पलकों के साए में लर्जिश ना पाकर उनके नफ्स ने उकसाया था। बेखुदी में उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ा हाथ यकदम उन्होंने वापस खींच कर मुट्ठी बंद की थी। बिला बजा की जिद और अना का सर बुलंद करके उन्होंने खुद ही उस तक आने की राह बंद की थी। फिर यह आज क्यों हुआ कि उनके अंदर उस पर हक रखने का एक मखसूस एहसास जागा था? जब्त की खौ अपनाते हुए उसके वजूद से नजरें चुरा कर वो बेड के एक कोने पर बिछी हुई जगह पर बेड के कोने पर बची हुई जगह पर लेट गए और अपना बाजू सर के नीचे रख कर सोने की कोशिश करने लगे, मगर नींद अब आंखों से ऐसे गायब थी जैसे आंधी का गुबार फिजा में उठे और अचानक छट जाए। मंजर बिल्कुल साफ और वाजिया, बड़ी फितरी सी ख्वाहिश ने उन्हें बेचैन किए रखा था। इस अरसे में जिया ने उनकी तरफ करवट बदली, चूड़ी खनकी थी। उसके हाथ उनके पहलू से ज़रा ऊपर और सर तकिए से ढलक कर उनके बाएं बाजू पर आ गया। उन्होंने एक गहरा सांस सीने में भरकर अपना हाथ सर के नीचे से निकाला और आहिस्तगी से उसके गिर्द घेरा डाल दिया। मगर कितनी देर, आध घंटे में ही रात मज़ीद भारी लगने लगी।
उनका पूरा जिस्म शल हो रहा था। फिर एक झटके से उन्होंने उसके सर के नीचे से अपना बाजू निकाला और लंबे लंबे डग भरते कमरे से बाहर खुले आसमान तले टेरेस पर आ गए। जिस्म पसीने में शराबूर था, खुली फिजा में रची ठंडक ने कुछ सुकून का एहसास बख्शा था। जिया तो कमज़ोर थी जब उसने अपने लिए उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, हत्ता के कभी भी अपना आप नुमाया करके उनकी निगाहों को भटकाने, किसी भी किस्म का हक हासिल करने की कोशिश ना की, तो उन्हें भी कमज़ोर लम्हों की जद में आकर अपनी ज़ात का गुरूर गंवाना गवारा ना हुआ था। जिया लंबी लंबी सांसें सीने में भरते हुए अपने दिल की मुंतशिर धड़कनों से घबरा कर उठ बैठी थी। वसीत के बाजू का घेरा पड़ते ही उसकी आंख खुल गई थी। तंग होते घेरे का झिझका झिझका सा और फिर शिद्दत भरा लम्स उसकी सांसें रोकने लगा था। वो दम साधे पड़ी रही थी और फिर वसीत को वहशत भरे अंदाज में कमरे से निकलते देखकर उसे तकलीफ हुई थी। उन दोनों के बीच तीसरा वजूद कब तक दीवार बनकर उनकी खुशियां छीनता रहेगा, उसने सोचा। जिया जो उनकी शरीके हयात थी उस पर उनका पूरा हक था, मगर ईर्ष्या के एहसास में गिरकर वो अपने साथ साथ जिया की भी हक तलफी कर रहे थे। क्या था जो उन्हें जिया की कुर्बत में भी भूल नहीं सका। जिंदगी के खारदार सफर में अगर मन चाहा हम सफर हो तो सफर आसान हो जाता है, और यही मन चाहा हम सफर अगर आपसे अनजान आपकी राह के कांटे चुनने की अहलियत ना रखता हो तो यही सफर तकलीफ देह हो जाता है। इस तरह के मंजिल तक पहुंचने की जस्तुजू भी दम तोड़ने लगती है। सिप्तैन वन डे मैच के सिलसिले में बैंक की तरफ से हफ्ता भर के लिए कोयटा गया हुआ था। तुम्हें मुसीबत क्या पड़ी है, तुम अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकते, उसने सिप्तैन पर झुंझुलाते हुए कहा था। अब तुम्हारी खातिर मैं अपने तमाम जरूरी काम छोड़कर बैठ रहा हूं। तुम जानते हो ना तुम्हारे बगैर मुझसे प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। वो ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में नौवारित थी, इसलिए किसी और अजनबी के साथ प्रोग्राम करने के लिए अपना एतमाद बहाल रखना उसे मुश्किल लगा था। सिप्तैन कुछ और समझा तभी चिढ़ कर बोला, तुम्हें हाथ पैर हिलाने को कौन कह रहा है। जाहिर हसन होंगे, पता नहीं क्या ऑपरेट करने के लिए, तुम्हें बस पहले की तरह जबान हिला के दाद वसूल करती रहना, उसने प्रोडक्शन इंचार्ज का नाम लिया। तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ जबान हिला सकती हूँ, मैं पूरे पैनल को कंट्रोल कर सकती हूँ, समझे, तुम दफा हो जाओ अब। पता है मुझे तुम क्या क्या कर सकती हो, सिप्तैन ने महजूज होकर उसका तमस्कर उड़ाया। सिप्तैन जा चुका था। अरसला स्टूडियो पहुँच कर बेरब धड़कनों को संभालती अपना प्रोग्राम शुरू होने का इंतज़ार करती रही। सिप्तैन के बिना 6x6 के छोटे से स्टूडियो में जाने का सोचकर ही उसका एतमाद रुखसत हो चुका था। 5 से 6 का प्रोग्राम करके मारुख स्टूडियो से बाहर निकली तो प्रोड्यूसर साहब ने उसे अंदर जाने के लिए मतवज्जा किया। अरसला ने बड़ी आस से खाली स्टूडियो को देखा और अंदर दाखिल हो गई। उसके साथ जिस शख्स ने प्रोग्राम प्रेजेंट करना था उसका दूर करीब कोई पता ना था। अरसला को उस शख्स की गैर जिम्मेदारी पर गुस्सा आने लगा। वो तो शुक्र था कि चेक टाइम पे फीट कमर्शियल्स इब्तदा 5 मिनट चलने थे। अरसला क्यू शीट देखकर सॉन्ग्स के मुतल्लिक तारुफी जुमले लिखने लगी। हालांकि सिप्तैन के साथ उसे स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो सिंगर्स और टॉपिक्स के मुतल्लिक सॉन्ग चलने के दौरान ही अपना माइक ऑफ करके सिप्तैन से डिस्कस कर लेती थी। यूँ माइक पर फिल बदी बोलने में आसानी होती थी। सिद्दीकी साहब ने उसे बोलने का इशारा किया तो वो हबन्नक हो गई। ज़ाहिर अभी तक स्टूडियो में नहीं आया था। बहरहाल उसने डरते डरते अपने नाम के साथ शो का आगाज़ किया और शो के तारुफ में मुसलसल 5 मिनट तक बोलती रही, और फिर बड़ी ही उजलत में जो शख्स अंदर आया उसे देखकर वो बोलना भूल गई। ये वही शख्स था जिससे उसका सीढ़ियों पर टकराव हुआ था। उसने बड़ी चुभती हुई नज़रों से अरसला को देखा और बड़ी फुर्ती से अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपना माइक ऑन किया।
हैवी मशीन के मुख्तलिफ बटन पुश करते हुए बड़ी संजीदगी से ऑन एयर अपना तारुफ कराते हुए क्यू शीट पर नज़र डालकर पहला सॉन्ग प्ले कर दिया। हेडफोन चढ़ाकर साउंड और इको वगैरह को बैलेंस करके चेक करने के बाद साहिर हसन उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। आपको पता होना चाहिए 30 सेकंड का साइलेंट भी शो का मैार गिरा देता है। उसने अपने आने के बाद की अरसला की खामोशी पर चोट की थी और आप मुसलसल 5 मिनट तक बैकग्राउंड म्यूजिक के बगैर बोलती रही हैं। ज़रा मुलाहिजा करें किस कदर म्यूजिक का खेस लग रहा है, यूं आपका बोलना। जाहिर ने चोट पर चोट करते हुए उसे रिकॉर्डिंग सुनवाई तो अरसला की खामोशी उसकी शर्मिंदगी का मजहर बन गई। वो लब काटती सर झुकाकर बैठी रही। सिप्तैन ने उसे माइक का सिस्टम समझाने के बाद पहली चीज़ बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में सिखाई थी और वो आज बौखलाहट में सब कुछ भूलकर प्रोग्राम का बेड़ा गर्क करने पर तुल गई थी। मिस अरसला, अगर आपको प्रोग्राम करने में दिलचस्पी नहीं थी तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो उसकी एक चुप सोसुख का फार्मूला देख कर मजीद बरहम हुआ था। आई एम सॉरी, उसने झुका सर उठाया। इंसान को वो काम ही नहीं करना चाहिए जिस पर उसे माजरत करनी पड़े। वो मैं तो बस आपके ना आने की वजह से। गोया आप अपना कसूर अब मेरे ज़िम्मे डाल रही हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, मुझे आपकी तरह हाथ पे हाथ रखकर ज़बान से काम नहीं चलाना होता, और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मेरी। कमाल है, जिसे देखो ज़बान का ताना दे रहा है। मिस्टर ज़ाहिर, आप सीखे सिखाए यहाँ नहीं आए थे, यहाँ आकर ही इन चीज़ों के बारे में सीखा होगा आपने। वो बिल्ला कर बोली, मैं अभी सीखने के मरहले सर कर रही हूँ, सीख जाऊंगी तो आपकी तरह शार्पनेस से काम करना क्या मुश्किल होगा। बजाय मुझे गाइड करने के आप मुसलसल मेरी गलतियां गिनवाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं। वो भड़क कर कुछ और भी सुनाना चाहती थी कि ज़ाहिर ने उसका माइक ऑन कर दिया। गाना इख्तिताम पर था। अरसला को फौरी मूड बहाल करके खनकती हुई आवाज के साथ ऑन एयर होना दुश्वार लगा। ताहम अब अच्छा प्रोग्राम करना उसके लिए चैलेंज था और जबरन ही सही उसे ज़ाहिर के साथ इखलाक के दायरे में रहते हुए भरपूर शो पेश करना था। अम्मा, फिर आपने क्या सोचा? वसीत उस रोज रात के खाने के बाद डाइनिंग टेबल से उठने के बाद अपने कमरे की तरफ जाती माँ से सवाल कर रहे थे। उन्होंने लम्हा भर को ठहर कर शिकवा को निगाहों से बेटे को देखा था, फिर आगे बढ़ते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में गोया हुई, देखो वसीत, तुम्हारे अब्बा के जाने से मैं वैसे ही खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ, अब तुम मजीद मुझे कमज़ोर मत करो। मैं खुद एक औरत हूँ, फिर एक औरत को उजाड़ने में तुम्हारा साथ देकर खुद को गुनाहगार क्यों करूँ? तुम्हारी रजा मालूम करके ही मैंने अपने इन हाथों से उसे दुल्हन बनाकर तुम्हें सौंपा था। अब तुम्हें उस पर जुल्म करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं पहुँचता। वो सिर्फ एक वक्ती फैसला था। इर्सा के इनकार से मैं टूटा हुआ था, मगर आज तक मैं इर्सा से जज्बाती ताल्लुक और वाबस्तगी के अरसे में ही जी रहा हूँ। मैं जिया को वो मुकाम दे पाया हूँ ना कभी दे सकूँगा। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, संवार रहा हूँ। वो अम्मा के साथ चलते उनके कमरे में आ चुके थे। मैं उसे इर्सा की जगह नहीं दे सकता अम्मा, मुझसे अलग होकर वो किसी के साथ भी खुशियों भरी ज़िंदगी जी सकती है। जिया के लिए अच्छा प्रपोजल तलाश करने में मैं आपकी मदद करूँगा। शर्म तो नहीं आती तुझे बीवी के लिए ऐसी बात करते? अम्मा को यकदम ही गुस्सा आ गया था। वो बैठते बैठते उठ खड़ी हुई। अरे मर्द तो बीवी पर किसी गैर मर्द की मैली नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी गैरत जाग उठती है। जिया तेरी मनकूहा है और तू कितने आराम से उसे किसी और मर्द को सौंपने की बात कर रहा है। तुफ है तेरी मर्दानगी पर वसीत। मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा बेटा, जो एक जिम्मेदार इंसान है, अपनी ज़िंदगी के अहम मामले को लेकर कैसा नाजायज़ और सतही तरीका इख्तियार कर रहा है। आप कुछ भी कहें अम्मा, मैंने बेहद हकीकत पसंदी से इस मामले का तज्जिया किया है। मैं जिया को खुश नहीं रख सकता, इसलिए इर्सा के आने से पहले इस मामले को ख़त्म करना चाहता हूँ। वसीत पुश्त पर अपने हाथ बांधे खड़े थे और बेहद संजीदगी से हतमी लहजा इख्तियार किया था। तुमने जिया से पूछा, वो क्या चाहती है? यहाँ मेरा चाहना मायने रखता है। तो फिर ठीक है, जो मर्जी आई करो। अम्मा ने उनके जानिब से रुख मोड़कर अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। तुम्हारी नाजायज़ ख्वाहिश में तुम्हारा साथ देकर मैं एक मासूम लड़की की आह नहीं ले सकती।
तुम खुद ही उससे बात कर लो। उन्होंने अपनी तरफ से बात ख़त्म कर दी थी। मसीद कुछ पल लब भींचे उन्हें देखते रहने के बाद कमरे से निकल गए तो अम्मा अपनी आँख में ठहरे पानी को दुपट्टे के पल्लू से साफ़ करते हुए अल्लाह ताला से दुआ गो हो गई। मालिक कायनात, तू चाहे तो इंसान का दिल फेर सकता है, मेरे बेटे का दिल भी जिया की तरफ मुल्तफित करके उसे एक गलत काम से रोक दे। जब से वसीत ने उनसे अपने दिल की बात कही थी तब से उनके लबों पर हर दम यही दुआ जारी रहती थी, मगर मामला सुलझता नज़र नहीं आ रहा था कि बागी बेटे को वो किस तरह रोकें। ये जबरो तशद्दुद की उम्र तो ना थी उसकी। बहार का आगाज़ था। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों में कुदरत पौधों और फूलों की सूरत खूबसूरत रंग तख्लीक कर रही थी। उन रंगों ने जिया की यासियत ख़त्म करने में भी कोई किरदार अदा ना किया था। पिछले बरस यही मौसम था जब पाकिस्तान आने के बाद उसके पाँव हवा में तहलील थे। वो इन रंगों के पीछे तितली की मानंद उड़ती फिरी थी क्योंकि उसके दिल ने उस जज्बे को सलाम किया था जिसे मोहब्बत कहते हैं। बाहर से ज़्यादा उसके अंदर के मौसम में रंग ही रंग थे, खुशबू ही खुशबू थी। उसे इस जज्बे का जाम था जिस पर उसने सब कुछ वार देना चाहा था। उस जज्बे ने उसकी बिनाई को मुकम्मल मंजर दे दिया था। बकौल शायर, क्या होता है खिजा बहार के आने जाने से, सब मौसम है दिल के खिलने और मुरझाने से। पिछले बरस दिल का आलम ही जुदा था और अब वक्त की सर्द मोहरी की धुंध में उसकी बिनाई का मंजर गायब हो चुका था। मुरझाया हुआ दिल मौसम की खूबसूरती से बेनियाज था। दिल के अंदर अपने ही मौसम थे, कभी टूटने और कभी सिमटने का मौसम, कभी पाने और कभी खोने का मौसम, कभी किसी को चाहने और पूजने का मौसम, और अब किसी की बेएतनाई सह सह कर अपनी अना अपनी ज़ात में सिमट जाने का मौसम। और इसी बेएतना मौसम ने उसके वजूद के सारे रंग चुरा कर उसकी ज़बान को खामोश और आँखों को बेरंग कर दिया था। उन्हीं बेरंग आँखों से नमकीन पानी एक तसलसल के साथ गिर रहा था। जिया क्लासरूम के बरामदे के फर्श पर अपनी उंगलियों को आपस में जकड़े बैठी थी। वसीत के सर्द रवैयों का आदि दिल हर नई तजलील पर अव्वलीन लम्हे की मानंद दुख से भर जाता था। उसे कुछ देर पहले का वसीत का रवैया याद आया। रात उसने तबीयत की खराबी के सबब कुछ नहीं खाया था। सुबह भी जल्दी जल्दी में कुछ खाए बिना यूनिवर्सिटी आ गई थी। 12 बजे तक कमज़ोरी और थकन से उसकी हालत गैर होने लगी तो अनजला ज़बरदस्ती उसे कैंटीन ले आई थी और फिर समोसे से मुकम्मल इंसाफ करते हुए अनजला की नज़र कैंटीन में लगी खिड़की पर गई तो वह हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। कैंटीन में रश की वजह से उन दोनों को अच्छी खासी देर हो गई थी। वो ओह अब बिग बी से निपटना मुश्किल है, वो बोली। कम कम जिया, लेक्चर शुरू हो जाएगा। मैं चलती हूँ, तुम खाकर आओ। वो अपनी चीज़ें उठाए भागी थी। जिया ने बेबसी से अपने आगे रखे समोसों को देखा। खाने का दिल भी चाह रहा था और साइकोलॉजी का लेक्चर लेना भी ज़रूरी था। दिल में एक खुशफहमी सी जागी और वो जल्दी जल्दी समोसे हलक से उतारने लगी। चंद घूंट कोक के लेते हुए उसने टाइम देखा और भागम भाग क्लास रूम तक पहुंची। मैं कम इन सर, उसने बड़ी आस से पूछा था। उसकी हल्की सी आवाज़ पर भी कई स्टूडेंट्स ने सर घुमाकर उसे देखा था, मगर वसीत उसकी आवाज़ सुनकर भी अनजान बने अपना लेक्चर जारी रखे हुए थे। माहरीन का कहना है दरअसल ख्वाब में हमारी चीज़ों को समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वो कह रहे थे कि किसी लड़के ने बोलने की इजाज़त चाही। सर, कहते हैं हमारे ख्वाबों का ताल्लुक बड़ी हद तक हमारी घरेलू रूटीन और जज्बातों एहसासात से भी होता है। मसलन दिन में हम किसी लड़की से मिलते हैं, उससे इजहार इश्क का प्लान करते सोचते रहते हैं, मगर जूते और गालियां खाने के डर से उससे कुछ कह नहीं पाते। जबकि रात को ख्वाब में वही सब कुछ जो हम दिन में सोचते हैं बड़ी बेखौफी से अमल पज़ीर हो जाता है। पूरी क्लास में दबी दबी हंसी गूंजी थी। बिल्ली को ख्वाब में भी छिछुड़े ही नज़र आते हैं, एक फीमेल स्टूडेंट ने किलस कर कहा था। पूरी क्लास कश्त
ज़ाफ़रान बन गई थी। वसीद के लबों पर भी मध्यम सा तबस्सुम छलका था। सर, मैं अंदर आ जाऊँ? जिया को थोड़ा हौसला हुआ था, उसने एक बार फिर एतमाद से पूछा था। वसीद उसकी तरफ घूमे। मिस जिया, डोंट वेस्ट माई टाइम, अगर आपको क्लास लेने में दिलचस्पी हो तो वक्त पर रूम में आया करें। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखूँगी। उसने एक कदम बढ़ाकर क्लास में दाखिल होना चाहा कि वसीद की सर्द आवाज़ उसकी समात में उतरी। मैंने आपको अंदर आने के लिए नहीं कहा मिस जिया, नाउ यू कैन गो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। हर आंख उस पे गड़ी थी। खिफत से उसका रुआ रुआ सुलग उठा था। बड़ी ही सपाट निगाहों से उसने ग्रे पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस डिसेंट से वसीद को देखा था, जिसके सीने में कैद दिल में उसके लिए सिर्फ सख्ती और बगावत थी। इससे पहले कि उसकी आंख का पानी कोई देख पाता, जिया तेज़ी से पलटकर क्लास से दूर होती गई। अब वो बैठी जी भर कर कूड़ रही थी। यूनिवर्सिटी में सिवाय अंजला और रयात के किसी को इल्म नहीं था कि जिया और वसीद के माबैन क्या रिश्ता है। इसके बावजूद वसीद कभी कभी उससे आम स्टूडेंट से भी ज़्यादा अजनबी और बेगाना दिखाई देने लगते थे। एक कैसी मोहब्बत है आपकी वसीद, जिसने एक रिश्ते की इज्जत का एहसास भी आपके दिल से फना कर डाला। मैं आपकी शरीक हयात हूँ, जो चाहते हैं, जो दिलदारियाँ, मेरा हक, मेरी अमानत है, वो आप इर्सा की झोली में डालना चाहते हैं। इर्सा जितना आप मुझे चाह नहीं सकते, आपके इख्तियार में नहीं, मगर मेरा और आपका जो रिश्ता है वो तो इज़्ज़त का मुतकाजी होता है। इज्जत तो कर सकते हैं, फिर ये सब क्या है? क्यों है, क्यों है आपका ये रवैया मेरे साथ? जिया अपने घुटनों पर सर झुकाए वसीद के तसव्वुर से शिकवा गुना थी। जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिया ने सर उठाकर देखा। ये पुरखलूस लम्स अंजला का था, जो उसका दुख बचाने को पास आ बैठी थी। जिंदगी बड़ी बेकैफ और बेरंग सी गुजर रही थी। फाइनल सेमेस्टर में अभी बहुत वक्त था और गर्मियों का जोर शुरू हो चुका था, और इन बदमज़ा दिनों में इर्सा की आमद उसके लिए मज़ीद बेजारी का सबब बन गई थी। कल शाम जब वसीद उसे एयरपोर्ट से लेकर आए, तो घर में उसे देखकर इर्सा ने हैरानगी का इजहार किया था। तुम पाकिस्तान कब आई? चाचू और चाची भी आए हैं? सवाल करते हुए ब्लू जीन्स और वाइट कुर्ता दुपट्टे में मलबूस गोरी चिट्टी नाजुक सरापे की मालिक इर्सा उसे बेहद बुरी लगी थी। ये इस नापसंदीदगी की वजह उन दोनों के बीच फितरी रकाबत थी। तुमने जवाब नहीं दिया, इर्सा ने बड़ी नागवारी से खामोश खड़ी टुकर टुकर वसीद को तकती जिया को टोका था। वसीद की गाड़ी का हॉर्न बजा तो गेट पर पहुंचने वाली जिया ही थी, जिसने उनका इस्तकबाल किया था। जिया ने एक गहरी सांस भरते हुए वसीद पर से हटाकर इर्सा पर अपनी नज़रें मरकूज की थी। मैं गुज़िश्ता एक साल से यहाँ हूँ, उसने चंद पल चुप रहने के बाद कहा था, और मॉम और पापा मेरी रुखसती के बाद यहाँ से चले गए थे। जिया ने महसूस किया वसीद के अंदर बेचैनी दर आई थी। हाउ स्ट्रेंज, तुम्हारी शादी हो गई है? इर्सा ने सीने पर पाजू लपेट कर उसे सर से पांव तक बड़ी तनकीदी नज़रों से देखा था। वसीद ने एकदम से मौजू छिड़ने पर इस्तरारी अंदाज में गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारा। इतनी एडवांस कंट्री में रहने के बावजूद एजुकेटेड फ्यूचर के बजाय शादी तुम्हारा तरजीही मकसद था? वेरी बैड जिया। बाय द वे, तुम्हारे हस्बैंड कौन हैं, क्या करते हैं? अंडर ग्रेजुएट को कोई हाई फाई बंदा तो नहीं मिला होगा ना? उसके लबों पर तमस्खुराना सी हंसी थी। यू नो, हाई क्वालिफाइड बंदा तो अपने जैसी ही तलीम याफ्ता बीवी चाहता है। वो अपने आप पर इतराते हुए बड़े तफाखुर से वसीद की जानिब देखकर गोया हुई। उसके लहजे में सिर्फ खुद पसंदी थी। जिया से खुद को बरतर समझने का अंदाज़, जिसने जिया को अंदर से सुलगा दिया था। लाइफ पार्टनर के लिए हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जिया मध्यम सी मुस्कुराहट लिए बोली, उसने वसीद को देखा था। एनीवेज, मीट माय हस्बैंड वसीद अमान, बड़े ही सुकून से उसने
वसीत की जानिब इशारा करके तारुफ करवाया था और इरसा उतनी ही बेसकून हो गई थी। व्हाट व्हाट डू यू मीन, वो शॉक्ड हुई थी। वसीत वसीत इज अ फैक्ट, उसने बेयकीनी से पूछते हुए वसीत का हाथ हिलाया। वसीत ने एक तेज सी तंबीही निगाह जिया पर डाली और इरसा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए बोले, इसकी फजूल बातों को छोड़ो, तुम अंदर चलो इरसा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। डोंट टच मी, उसने अपना हाथ एक झटके से वसीत के हाथ से खींचा था। तुमने मुझे चीट किया, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, क्या समझकर बेवकूफ़ नादान और जाहिल हूँ मैं, इरसा कदम रोक कर बिफरी हुई बोली। वसीत बेबसी से उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। जिया को ये सूरत हाल बहुत मज़ा दे गई थी। वो सर झटक कर अंदर की तरफ बढ़ गई। फिर उसके बाद भी इरसा ने अंदर आकर सबके दरमियान इस बात पर बहुत हंगामा किया। तब वक्त ये कि उसे अंदाज़ा जल्द ही हो गया, किसी को उसकी हुफकी की परवाह है ना, वसीत के अलावा कोई उसकी गलत फहमी नाराज़गी दूर करने में दिलचस्पी रखता है। इसका मतलब था जिया इस घर और मकीनों के दिल में एक मुकाम रखती है। उस रात के बाद वो अपने कमरे में सर मुँह लपेटे पड़ी थी। वो 5 साल बाद वापस आई थी और जिस पजीराई की उसे तवक्को थी वो उसे यहाँ ना मिली थी। बचपन से वो वसीत के साथ मंसूब थी, अपने और वसीत के हवाले से उसके बहुत ऊंचे ऊंचे मुस्तकबिल के ख्वाब थे। वसीत अमान अहमद का इकलौता लाडला बेटा था। रयात और रताब उससे 8-10 साल छोटी थी। रयात एमए कर रही थी और रताब एफएससी में पढ़ती थी। उधर इरसा अरमगान अहमद की इकलौती और लाडली बेटी थी। वसीत से 1.5-2 साल ही छोटी थी। उसके बाद सिप्तान और सनी थे। सिप्तान ने बीएस कंप्यूटर किया था और सनी बीकॉम कर रहा था। इरसा और वसीत दोनों का तालीमी रिकॉर्ड इब्तदा से ही बेहद शानदार था। 1 साल के आगे पीछे दोनों के तालीमी मनाजिल तय करते हुए अपने अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में डबल एमए किया था। दोनों का इरादा बाहर जाकर पढ़ने का था। उन्हीं दिनों बड़े पापा अमान अहमद का हाई ब्लड प्रेशर के सबब इंतकाल हो गया, तो वसीत ने यूनिवर्सिटी की जानिब से मिलने वाली जॉब की ऑफ़र कबूल कर ली थी। उस वक्त उसका रिज़ल्ट भी कहीं नहीं आया था, मगर उनका शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड उस जॉब का सबब बना था। जब इरसा का रिज़ल्ट आउट हुआ था, उससे पहले ही वो मज़ीद तालीम के लिए बाहर अप्लाई कर चुकी थी, मगर अब वसीत अम्मा रयात और रताब की जिम्मेदारी महसूस करते हुए यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। इस बात पर आए दिन इरसा और वसीत में तलखी होती रहती थी। इरसा चाहती थी वो बाहर पढ़ने के लिए जाएं तो वहीं सेटल भी हो जाएं। वो वसीत पर मुकम्मल अपना हक गिरदानती थी। सरो कद मजबूत जिसामत के हैंडसम से वसीत नज़रअंदाज किए जाने के लायक ना थे। घर के अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी उनका साथ और उनकी जहानत बेहद मशहूर थी। सो इरसा को बड़ी खुशफहमी हो गई थी कि वसीत उसके बगैर नहीं रह सकते। वो बाहर जाकर वसीत से रابطہ रखते हुए उन्हें फोर्स करेगी तो वसीत उसके पास ज़रूर आ जाएंगे, मगर उसकी ये सोच भी खाम ख्याली साबित हुई थी। अपनी बात मनवाने में वो नाकाम हो गई तो उसने घर में ऐलान कर दिया कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके वहाँ ही जॉब कर रही है और पाकिस्तान फ़िलहाल आने का उसका इरादा नहीं है। सो वसीत चाहें तो उसके पास आ जाएं, वो दोनों वहाँ अपनी ही ज़िंदगी का आगाज़ करके अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। अरमगान अहमद को अपनी बेटी की ये बात बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने बेटी की मोहब्बत में उसे आला तलीम हासिल करने का शौक़ पूरा करने की इजाज़त तो दे दी थी, मगर अभी इतने एडवांस नहीं हुए थे कि बेटी बाहर बैठे फ़ॉर्म पर निकाह करवाकर शौहर को अपने पास बुलवाने पर इसरार करे और वो मान जाए।
सो उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब इरसा भी अपने मौकफ से पीछे हटने पर तैयार ना हुई। बकौल उसके, मैं आप लोगों के जज्बाती रवैयों से डर कर अपना मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकती। मैंने इस मुकाम तक आने के लिए बहुत मेहनत की है और अब यहाँ से फौरी वापस जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर वसीद से बात की, अगर तुम्हें मेरी परवाह है, मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वसीद, तुम्हें सबको छोड़कर यहाँ मेरे पास आना होगा, और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो? वसीद ने बड़ी आस से पूछा था, तो मेरा जवाब होगा नहीं। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बिना कह दिया, जिससे वसीद को धचका सा लगा था, जबकि वो मजीद कह रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी खुशकिस्मती के दरवाज़े मुकफ्फल नहीं कर सकती, मर्द मुझे बहुत मिल जाएंगे, तुम नहीं तो और सही, मगर फ्यूचर बनाने का ये मौका फिर शायद ना मिले। मैं वहाँ तुम्हारे पास आकर कुएं की मेंढक नहीं बने रहना चाहती, वहाँ बेहतरीन जॉब के मौका हैं, ना काबिलियत की कदर, फिर मैं क्यों अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारूँ? और वसीद को, जो यकीन था कि अरसला को उनसे सच्ची मोहब्बत है, वो उनके लिए ज़रूर वापस आएगी, तो उनका ये यकीन चकनाचूर हो गया था। उन्हें एक चुप सी लग गई थी। इरसा की खुदसरी की वजह से घर का हर फर्द उससे खफा था। अम्मा को वसीद की चुप होलाती थी तो अरमगान अहमद और उनकी बीवी मदीहा को अपना आप मुजरिम लगता था। उन दोनों ने वसीद की माँ को मशवरा दिया कि वसीद की शादी कर दी जाए, शायद इसी तरह से वसीद इरसा की खुदसरी का ज़ख़म भूल जाए। वसीद को मुतअद्दिद लड़कियों के बारे में बताया गया, मगर उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया कि उन्हें शादी नहीं करनी। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने बाशऊर होते ही सिर्फ इरसा को अपनी शरीक हयात के लिए सोचा था। किसी और लड़की के साथ का सोच कर भी उन्हें वहशत होती थी कि कोई अजनबी लड़की उनके मजाज व फितरत और ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ो ख्वाहिशात से आशना ना थी तो किस तरह उनकी रूह की आसूदा कर सकती थी। उन्हीं दिनों सबसे छोटे नुमान अहमद अपनी फैमिली के साथ 3 माह के लिए मस्कत से पाकिस्तान आए थे। उनकी बड़ी बेटी जिया कॉन्वेंट से ए लेवल के बाद फारिग थी। शोख व चंचल सी नौ उमर जिया को वसीद की संजीदगी भा गई थी। लापरवाह होने के बाद के बावजूद मोहब्बत के बारे में उसका नज़रिया बड़ा वाज़ेह था। जिस तरह फूल खुशबू के बिना नामुकम्मल, जिंदगी सांस के बिना अधूरी थी, इसी तरह इंसान भी मोहब्बत के बगैर तकमील नहीं पा सकता था। मोहब्बत जो इंसान का इत्माम है, ये मोहब्बत वसीद को हो चुकी थी इरसा से, और जिया को हुई थी वसीद से। जिया वसीद को नारसाई के दुख से निकालने के बाद उसके दिल की उदास गलियों में गुले उम्मीद की सूरत रहना चाहती थी। वो उसकी ज़िंदगी को रनाई और मौसम बहार से आशना करना चाहती थी। जिया ने इरसा और वसीद के बारे में अपने कज़न से बहुत कुछ सुना था। सब कहते पहले बिग बी की मौजूदगी महसूस होती थी और अब उनकी मौजूदगी को महसूस करना पड़ता है। वसीद सबकी मौजूदगी में लाउंज में ता देर बैठे रहते, मगर इस तरह बेनियाज जैसे वहाँ मौजूद ना हो। और जिया को ये पुर इसरार खामोशी बहुत दुख देती थी। जिया अपने सब कज़न्स की तरह वसीद को बिग बी नहीं कहती थी। मोहब्बत ने एक रिश्ता बनाकर कलाम करने में झिझक पैदा कर दी थी, और ये बात बहुत जल्द अरसला और अंजला ने महसूस कर ली थी। अरसला और अंजला नबीला भुप्पो की बेटियां थीं, जो पंजाब के एक नवाही कस्बे से मैट्रिक करके मजीद तालीम के लिए अपने मामुओं के घर कराची आकर रह रही थीं। अंजला जिया की हम उम्र थी। जिया की आंखों में जलते वसीद के नाम के दिए देखकर उसने बड़ी अम्मा से बात की थी, और अंधा क्या चाहे दो आंखें, उन्होंने इस मर्तबा वसीद से बात किए बिना पहले नुमान अहमद से बात कर ली। नुमान अहमद शशोपंच में पड़ गए। वसीद का
इर्सा की तरफ रुझान उन्हें मोतरस कर रहा था, लेकिन फिर अरमगान अहमद के समझाने और जिया की जिगर जिगर करती आंखों में वसीद के लिए इजहार पसंदीद की देखकर उन्होंने हाँ कर दी। बड़ी अम्मा ने वसीद से बात की तो वो भड़क उठे। अम्मा, वो मुझसे 12 बरस छोटी है, उम्र के साथ साथ हमारे मिजाज में भी इतना फ़र्क है, क्या सोचकर आपने ऐसी बात की है? छोटा होना कोई ऐब नहीं है, और शादी के बाद तो उसे अपने मिजाज के मुताबिक ढाल लेना तुम, अम्मा ने रसान से कहा था। बच्ची है वो अभी, इतनी आसानी से मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं ढल जाएगी, और मैं अपनी अजदवाजी ज़िंदगी समझौते की नज़र नहीं करना चाहता, और मुझे एक तालीम याफ्ता मिच्योर ज़िम्मेदार लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। जिया मेरे मयार पर पूरी नहीं उतरती, अगर उसमें इर्सा जैसी कोई एक खूबी भी होती तो मैं इनकार ना करता। बे इख्तियार उन्होंने इर्सा से जिया का मवासना कर डाला था, और ये बात उनके मुंह से भी निकल गई थी। अम्मा ने तेज़ निगाहों से उन्हें घूरा था। इर्सा से ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र है जिया, मेरे नज़दीक ये उसका प्लस पॉइंट नहीं माइनस पॉइंट है, तो क्या तुम इर्सा जैसी बेनकाम लड़की के लिए जोग लोगे? अरे उसे तो अपने माँ बाप की इज्जत का पास है ना बचपन की निस्बत का एहसास। वो यकदम इश्ताल में आ गई। कैसे बेशर्मी से तेरे लिए इनकार करके अपनों के बजाय पराए लोगों में रहने को तरजीह दी है, वो तो वहीं किसी काले घोड़े के साथ घर बसा लेगी, तुम अपनी उम्र का अच्छा वक्त गुजारे जाओ उसकी आस में। अम्मा तो अपनी भड़ास निकाल कर चली गईं, और वसीत उसी रात नेट पर उसके साथ ऑनलाइन हुए थे। तुम्हें क्या लगता है इर्सा, तुम इस तरह मेरे बगैर ज़िंदगी गुजार लोगी? उन्होंने टाइप किया था। तुम बोल रहे हो वसीत, मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम जैसा कोई दूसरा शख्स मिल जाएगा, और वो मुझे मिल चुका है, लेकिन तुम शायद। वसीत ने कुछ और पढ़ने से पहले लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। उनकी तन्हाई के सन्नाटों में जो उम्मीद का एक नन्ना सा दिया रोशन था कि इर्सा उनके बिना नहीं रह सकती, वो सालों की वाबस्तगी इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकती है? वो ज़रूर उनके पास आएगी, ये मासूम सी उम्मीद भी बुझ गई थी। इर्सा ने इतने वाज़े अल्फाज में उन्हें टुकराया तो उनके पंदार को ठेस पहुंची। अपने इश्ताल और इर्सा के लिए तनफ़ुर को वो दबा ना सके तो अम्मा से जिया के लिए हाँ कर बैठे। वो तो जैसे हथेली पर सरसों जमाए बैठी थी। मारे खुशी के आनन फानन 15 दिन में उन दोनों की शादी तय कर दी। एक माह बाद नुमान वापस जा रहे थे, सो जिया के फर्ज से सुबकदोश होने के बाद 15 दिन तक वो मस्जिद रहे, और फिर अपने दोनों बेटों को लेकर वापस मस्कत चले गए। जिया की तरफ से वो मुतमईन थे कि वो नाखुश ना होगी, और उधर जिया के साथ निकाह के बंधन में बंध जाने के बाद वसीत को अपनी गलती और जल्दबाजी का एहसास हुआ था। इर्सा के उनकी ज़िंदगी में आने की उम्मीद कतन ख़त्म हो चुकी थी। शादी की पहली रात अपने आप से जंग करते वो कमरे में आए तो सजी समरी जिया को बेड पर देखकर उनके दिल में शिद्दत से हौक उठी कि इस जगह इर्सा को होना चाहिए था। उन्होंने तो सिर्फ इर्सा को अपने बेडरूम में हमेशा के लिए देखने की ख्वाहिश की थी। उन्हें यह ख्याल एक बार फिर सताने लगा। उनसे 12 बरस छोटी जिया किसी तरह भी उनके लिए सूटेबल ना थी। ज़ाहिर हसन का प्रपोज़ल अरसला के लिए आया था, ये बात घर वालों के लिए तो ताज्जुब की ना थी, मगर सिप्तैन और अरसला को शौक लगा था। उस शौक में दोनों की कैफियात बिल्कुल जुदा जुदा थी। अरसला को मारे खुशी का यकीन ही ना आ रहा था, और सिप्तैन का दिल जैसे अता गहराइयों में डूबता जा रहा था। अरसला के चेहरे का गुलाल, उसके होठों का दबा दबा झिझका झिझका सा तबस्सुम उसके दिल की कहानी कह रहा था। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता अरसला ने ज़ाहिर के साथ काम किया था, तो क्या ज़ाहिर हसन ने उसके दिल तक रसाई हासिल कर ली थी? और वो जो सालों से मोहब्बत का एक दिया अपनी हथेली पे जलाए, दो जानों उसका दरे दिल खुलने का मुंतजर था, इस मोहब्बत के दिए की जरा सी रोशनी भी किसी दर्द से उसके दिल में जाकर उसके जज्बों से उसे आगाह ना कर सकी थी।
रिश्ता अच्छा था। चचा जान ने फौरन नबीला पुप्पो को फ़ोन करके उन्हें और पुप्पा जान को आगाह किया, तो पुप्पा जान ने कहा कि वो लोग चंद दिनों में कराची आ रहे हैं, फिर अगर रिश्ता बेहतर लगा तो मस पर जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। छुट्टी का दिन था। 10 बजे तक पूरा घर सकूत में डूबा हुआ था। जिया गुसल करने के बाद किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। मेरे लिए भी एक कप चाय ले आना। वसीद की नींद से बोझल भारी आवाज़ पे जिया डर गई थी। उसका हाथ बहका और उबलता हुआ पानी छलक कर कलाई पे आ गिरा था। जिया के मुंह से कराह से निकली। उसने गर्दन मोड़कर वसीद को देखा। स्लीपिंग सूट में मलबूस बिखरे बालों के साथ वो उसे ही देख रहे थे, मगर उसकी तकलीफ पर उन्होंने आगे बढ़ने की जहमत ना की। जिया की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी छोटी छोटी तकलीफों पर रो देना शायद तुम्हारी आदत है। एक तीर उछालकर वो पलट गए थे। उसका दिल उचाट हो गया। उसने वही मग उठाया और वसीद को देने के लिए कमरे में आ गई। चीनी मिलाई है? उन्होंने सिप लेते ही पूछा था। मैंने अपने लिए बनाई थी, मगर अब पीने को जी नहीं चाह रहा। वो दराज से दवा निकालकर अपनी कलाई पर लगाते हुए सपाट लहजे में बोली, वसीद बगैर चीनी की चाय पीते थे। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिया दवा लगाकर पलटने लगी कि उन्होंने उसे रोक दिया। वो पलटी नहीं, उनके कहने की मुंतजिर यूं ही खड़ी रही। चंद सात सिप्त उसकी पुश्त पर बिखरे लंबे सियाह नम बालों पर नज़र जमाए उसके पलटने के मुंतजिर रहे, फिर खुद ही गोया हुए। गो मैंने अब तक तुमसे बराह रास्त बात नहीं की थी, मगर तुम वाकिफ ज़रूर होगी कि मैं क्या चाहता हूँ। इर्सा के आने के बाद हम दोनों का साथ मज़ीद मुमकिन नहीं, वसीत धीमे लहजे में कहते हुए मग उठाए उसकी पुश्त पर आ खड़े हुए थे। मैंने सुना है मर्द बाज़ियाफ़त का परिंदा है, नए से नए जहां दरियाफ्त करने की ख्वाहिश रखता है, मगर ये नहीं पता था कि नई बीवी बदलना भी इसी दरियाफ्त का एक हिस्सा है। तुम उसकी तीखे लहजे में कही गई बात का मतलब समझकर उन्होंने एक झटके से उसका बाजू मुश्तैल होकर दबोचा था और फिर फौरन छोड़ भी दिया। फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं। चंद लम्हे पहले जो उसके बाल छूकर उनकी नरमी और खुशबू महसूस करने की एक दिलरुबा सी ख्वाहिश जागी थी, वो उनके इश्ताल में जलकर राख हो गई। देखो, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम ये बात अम्मा से कह दो, मेरा मसला हल हो जाएगा। मुझसे पहले वो आपकी माँ है, आप खुद उनसे कह सकते हैं। रही मेरे कहने की बात, तो वो मुझे बहुत खुशी से बहू बनाकर इस घर में लाई हैं, मैं उनकी ये खुशी छीन नहीं सकती। कहकर वो रुकी नहीं, कमरे की दहलीज पार कर गई। सारी उम्र ऐसे गुजारा नहीं हो सकता, फैसला तो होकर रहेगा जिया मैडम, वसीद की पुरसोच नज़रों ने उसका ताकुब किया था। नबीला पुप्पो और पुप्पा जान आकर चचा जान के साथ जाहिर और उसके घर वालों से मिल चुके थे। उन्हें रिश्ता हर लिहाज से मौजू लगा था, सो वो लोग जाहिर के वालदैन के भरपूर इसरार पर अपना मस्बत अंदाज़ जाहिर कर आए थे। उसी रोज़ लगे हाथों चचा जान ने सिप्तैन के लिए अंजला का रिश्ता मांग लिया कि अब आए हैं तो दोनों बेटियों की बात पक्की करके जाएं। हालात सिप्तैन के इरादों के बिल्कुल मुखालिफ जा रहे थे। उसके ख्यालों में तो अरसला बस्ती थी, फिर ये अंजला बीच में कहाँ से आ गई थी। वो बिल्कुल चुप हो गया था, वो टूट कर बिखर रहा था, कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर अरसला की आंखों में जाहिर हसन का अक्स ना देख चुका होता तो बहुत कुछ सही हो सकता था। जिस रोज़ पुप्पा जान आए थे, उस रोज़ उनके घर जाने के बाद अपने इस तराब को छुपाए वो अरसला के पास जा खड़ा हुआ था। अरसला, फ़र्ज़ करो पुप्पा जान को जाहिर तुम्हारे लिए पसंद ना आया तो? उसने बड़ी उम्मीद से अरसला की जानिब देखा था, जैसे वो अभी लापरवाही से कह देगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा, वो पूरे यकीन से कह रही थी। ये बात तुम और मैं जानते हैं सिप्त के जाहिर हसन में ऐसी कोई खराबी नहीं जिसकी बिना पर उसे रद्द किया जाए। उसके लहजे का यकीन और आंखों में जिगर जिगर करता जाहिर का अक्स देखकर वो मुकम्मल तौर पर ढह गया था।
फिर उसने जिया से बात की। हो सकता है वो मुझसे बात करने में झिझक रही हो, तुम उससे तफसील से बात करके देखो। मैं उससे बात कर चुकी हूँ सिप्तैन, वो मोहब्बत की राह की मुसाफिर बन चुकी है, मगर उसकी मंजिल तुम नहीं ज़ाहिर हसन है। बकौल उसके कब कैसे यह हादसा हुआ कुछ खबर नहीं। हवा के दोष पर दो मशहूर कुन आवाज़ें उभरती रहीं और ये सहर अंगेज आवाज़ें एक दूसरे की रूह पर गिरफ्त करके इस अबदी जज्बे में ढल गईं जिसके बगैर इंसान का इतमाम मुमकिन नहीं। बिखरे बिखरे से सिप्तैन का दुख जिया ने अपने अंदर उतरते महसूस किया था। जिसको आप अपने दिलो रूह की सच्चाई के साथ चाहते हों और वो आपके जज्बों से गाफिल किसी और की चाह रखता हो, तो इंसान ऐसे ही मुंतशिर होता है। बसीत दिल से जिया के नहीं हुए थे, मगर उसे मिल गए थे, वो उसी पर तशक्कुर करती थी। सिप्तैन तो बिल्कुल ही खाली हाथ था, फिर वो क्यों ना अफसोस करता। हो सकता है वो वक्ती जज्बे के ज़ेर असर कह रही हो। हर नई चीज़ को हासिल करने की चाह इंसान की फितरत में है। मैं चचा से बात करता हूँ, जब वो अंजला का प्रपोज़ल मेरे लिए दे सकते हैं तो अरसला का क्यों नहीं, जबकि अरसला मेरी चाहत भी है। मैं बात करूँगा। वो आप ही आप बुलंद आवाज़ से बुड़बुड़ा रहा था। जिया ने उसे टोका, पागल मत बनो सिप्तैन, अरसला को उसकी खुशी से महरूम करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उसकी बात पर सिप्तैन ने बेचैनी से उसे देखा। तुमने मेरी और अपने बिग बी की ज़िंदगी से भी कोई सबक नहीं सीखा। हम दोनों अपनी अपनी जगह नाखुश हैं, नारसाई की आग में जल रहे हैं। मैं तो औरत हूँ, अल्लाह ने मुझे इख्तियार से महरूम रखा है, मगर तुम्हारी बिग बी वो तो बा इख्तियार हैं, और नारसाई की जो आग उनके दिल में जल रही है उसे बुझाने के लिए वो हमारी अजदवाजी ज़िंदगी भी दाव पर लगाने पर तुल गए हैं। किसी भी दिन वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर इरसा को बसा लेंगे। मैं और मेरी चाहत तो उनके नज़दीक बेमौल है। ये सब किस्मत का खेल है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते कहते रोने लगी थी। मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर सकता हूँ जिया। सिप्तैन उसके रोने से पशेमा होकर उसके करीब आया और उसके कंधे पर तसल्ली के लिए हाथ रखा। और मुझे इस बात का अफसोस भी है कि तुम्हारे दुख की असल वजह मेरी ही बहन है। तुम यकीन रखो जिया, बिग बी जो चाहे कर लें, मगर मैं इरसा को तुम्हारा हक छीने नहीं दूंगा। बड़ी अम्मा, बिया और अम्मी कोई भी ऐसा नहीं होने देंगे, इस बात का यकीन कर लो। सिप्तैन अपनी परेशानी भूल कर उसे तसल्ली दे रहा था। वो उसके खलूस पर रोती आँखों से मुस्कुरा दी। तुम मेरी बात छोड़ो, मैंने तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है। अगर एक इंसान से शरई रिश्ता मेरी किस्मत में लिख दिया गया है तो इस लिखे को मिटाकर कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। उसकी आंखों में एक यकीन सा जगमगाया था। अल्लाह पर यकीन, सिप्तैन उसे देखे गया कितनी हौसलामंद थी कि बिग बी के मुश्किलात पैदा करने पर भी उनसे लड़ने झगड़ने चीखने चिल्लाने और सिप्तैन की बहन को ज़िम्मेदार ठहराकर उसे लानत मलामत करने के बजाय पुरसकून लहर की मानंद उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बस कभी कभी उस लहर में तलातुम सा आ जाता था और जब्त दुश्वार हो जाता तो पानी आँखों के समुंदर से छलक जाता, जैसे अभी हुआ था, और उसके लिए सिप्त उसे हक बजानिब समझता था। और मेरी ये बात तुम भी अपने जहन में महफूज कर लो सिप्तैन, वो कह रही थी। ज़ाहिर हसन और अरसला एक दूसरे की चाहत और खुशी हैं, उन्हें अपनी खुशी हासिल कर लेने दो। हो सकता है तुम्हारे जज्बों की ये कुर्बानी किसी के लिए नेकी बन जाए। अंजला से शादी कर लो, अंजला तुमसे बहुत प्यार करती है सिप्तैन, वो तुम्हारी नेकी की कदर करेगी। वाट, सिप्तैन जिया के इनकशाफ पर हैरान रह गया था। हाँ, और तुम अरसला को चाहते हो, ये बात वो जानती है, मगर तुम अपने बिग बी की तरह कमज़र्फ़ी का मुजाहरा मत करना सिप्तैन। तुम उससे कभी ये बात मत कहना कि तुम अरसला से मोहब्बत करते हो या उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते थे। औरत अजदवाजी ज़िंदगी में मुतअद्दिद मुश्किलात झेल सकती है, मगर अपने हक की जगह शौहर के मुँह से किसी दूसरी औरत का तस्करा या शौहर के दिलो जिस्म पर किसी और औरत की परछाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब उसे कमज़ोर कर देता है, और मुझे यकीन है तुम जैसा अच्छा इंसान अपनी बीवी को ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भरपूर एतमाद और तहफ़ फ्राहम करेगा। क्यों ठीक कह रही हूँ ना, उसने सिप्तैन से ताईद चाही तो वो उसके मुस्कुराते लबों को संजीदगी से देख कर रह गया।
तुमने तो मेरी मोहब्बत का बाब ही सिरे से बंद कर दिया। उसके लबों पर जख्मी सी हंसी बिखरी थी। ऐसे मत हंसो सिप्तैन, जिया ने उसे टोका था। जिंदगी का ये दौर जो आज तुम्हारा हाल है, तुम्हें बहुत तल्ख और दिल शिकन महसूस हो रहा है, मगर जब ये माजी बन चुका होगा तो इसकी तलखी भी कम हो चुकी होगी। सिप्तैन ने अपना झुका हुआ सर अस्पात में हिलाया। तो तुम अब मेरे भाई पर डोरे डालकर आइंदा के लिए अपनी राह हमवार कर रही हो। खूनख्वार से लहजे पर जिया पलटी तो भौंचका कर रह गई। इर्सा बड़ी काटदार नज़रों से उसे देख रही थी। ये आप क्या कह रही हैं इर्सा? उसकी बात समझकर जिया के लहजे में नागवारी दर आई थी। इर्सा उसके करीब आ खड़ी हुई। उसने दूर से सिप्तैन और जिया को गुफ्तगू करते देखा था। जो मैं कह रही हूँ तुम अच्छी तरह समझ रही हो, ज़्यादा भोली मत बनो। वैसे भी वसीत ने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं है, जो तुम अभी से सिप्तैन को रुझाने के लिए बेताब हो रही हो। प्लीज़ इर्सा, वसीत मेरे शौहर हैं और सिप्तैन मेरा भाई है। मुझे रिश्तों का एहतराम करना आता है। आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो चीज़ चाहे मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करती रहें। आइंदा ऐसी कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिया को यकदम गुस्सा आ गया था। मैं बड़ी हूँ तो वसीत भी तुमसे 12 साल बड़ा है। उससे शादी करते वक्त तुम्हें यह ध्यान क्यों ना आया? तुमने मुझसे वसीत को छीना था, अब मैं वसीत को तुमसे वापस छीन ही लूँगी, मगर सिप्तैन पर भी तुम्हारा साया नहीं पड़ने दूँगी। डू यू अंडरस्टैंड? तुम उसे मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकती। इर्सा ने मुश्तइल होकर भवें उचकाते हुए उसे वार्न किया था। जिया के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। अपने हारने के खौफ से परेशान हैं आप? उस वक्त आप कहाँ थी जब आपकी तरफ से मायूस होकर वसीत ने मुझे प्रपोज किया था? जिया दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए वहीं डाइनिंग टेबल के कोने पर टिक कर बोली। उस वक्त मैं जहाँ भी थी अब यहाँ हूँ। वसीत मेरा था और मेरा है। उसने तुमसे शादी ज़रूर की, मगर तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया, क्योंकि उसके दिल, सहन और जिस्म जज्बात पर सिर्फ मेरा हक है। कितने मज़े की बात है ना, 1 साल से बीवी तो उसकी तुम हो, मगर कितनी बदनसीब हो तुम। तुम्हारे होते हुए बेडरूम में तुम्हारा शौहर मुझे सोचता है, मुझे चाहता है, मेरे ख्वाब देखता है और तुम्हें देखने तक का रवादार नहीं। इर्सा की आंखों और लबो लहजे में उसके लिए इस्तेहज़ा ही इस्तेहज़ा था। जिया का चेहरा धुआं धुआं हो गया। उसे अपना जिस्म सुलगता हुआ महसूस हुआ था। उसे लगा जैसे वो सरेआम बढ़ाना हो गई है और उसे बेइज्जत करने वाला कोई और नहीं, उसका शौहर था। उन दोनों के बीच की इंतहाई ज़ाती बात किसी तीसरे तक पहुंचाकर अपनी राह हमवार करने के लिए उन्होंने इर्सा का एतमाद तो जीत लिया, मगर जिया का भरम तार तार कर दिया। और अब इर्सा उसकी बरहंगी पर हंस रही थी, कहकहे लगा रही थी। जिया ने रुख मोड़कर खुद पर जब्त किया। अब हारने का खौफ किसको है और जीत किसकी होगी, इर्सा गरूर से पूछ रही थी। ये तो वक्त ही बताएगा। उसके सामने से हटने से पहले कहते हुए जिया का लहजा बेहद मजबूत हुआ था। सलूक नारवा कब तक रहेगा, कोई हमसे खफा कब तक रहेगा, हमारे और तुम्हारे बीच आखिर अना का मसला कब तक रहेगा, कहाँ तक इंतज़ार जख्म ताज़ा, मोहब्बत का खला कब तक रहेगा। मुझे लगा जिया मेरे अंदर बड़ी तेज़ी से उतरती जा रही है। वो मुझे बहुत तेज़ी से तस्खीर कर रही है। वो मेरे सामने चुप की बक्कल मारे रखती है, मगर मेरे जज्बात, मेरा दिल, मेरी आँखें सब मात के मरहले में हैं। मेरा दिल उसकी दिलदारियाँ करना चाहता था, मेरे जज्बात उसकी जानिब से पजीराई चाहते थे, और आँखें, जब मैं दिन भर का थका हारा घर में आता तो मेरी आँखें सबसे पहले जिया को देखना चाहती थी। जिया जो मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशी के बिना शामिल हुई थी, जिससे इब्तदा में मुझे चिढ़ और उलझन महसूस होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे हवास पर छाती गई। मैं खुद को उसके बिना अधूरा सा महसूस करने लगा। अपने उन महसूसात से मैं घबरा गया था। मैं खुद को बार बार बावर कराता कि मुझे सिर्फ इर्सा अरगमान से मोहब्बत हो गई है। वो अव्वलीन उम्री से मेरी चाहत है और यह चाहत इर्सा की फजूल सी जिद और जिया की मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने से भी ख़त्म नहीं हुई है। इसीलिए उसके लौट आने पर मैं उसे अपनाना चाहता हूँ।
फिर मैं सोचता हूँ ये मोहब्बत तो नहीं हुई कि किसी को ज़बरदस्ती और कोशिश से याद रखा जाए। मोहब्बत तो किसी किस्म की शौरी कोशिश और याद के बिना ही अपना एहसास दिलाती है। आँखों में मुहिब का अक्स और उसकी नज़रें इल्तफात का इंतज़ार सौंप देती है। दिल के गुंचे खिलाकर खुशबू की तरह बस जाती है और उस खुशबू को छुपाने की सही बाज़ औक़ात बेसूद साबित होने लगती है। और इस स्टेज पर आकर के खुददारी भी इजहार से गुरेजा हो, इंसान अपनी ही मोहब्बत के मुखालिफ चलने लगता है। जैसे मेरा और जिया का मामला है, मेरे ना ना करने के बावजूद वो मेरे दिल और रूह पर छाती रही है। वो ईसा की तरह मेरी हम उम्र है ना संजीदा फ़िलासफ़र, ना ही बेशुमार डिग्रीज की मालिक। उसके शौक़ और दिलचस्पियाँ भी बड़ी आम सी और महदूद हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ज़िंदगी गुजारने के बड़े आसान फार्मूले हैं उसके। 24 घंटों में जब जी चाहे सो जाना, भूख लगे तो शोर मचाना, मारे बांधे यूनिवर्सिटी जाना कि लोगों में शो करने को एक डिग्री हो, शॉपिंग और आउटिंग को हमा वक्त तैयार रहना। ये और बात कि ये सब काम मेरे होने ना होने की परवाह किए बगैर दीगर कज़न्स के साथ किए जाते हैं। पिछले 1.5 साल में उसकी इतनी सरगर्मियाँ तो मेरे इल्म में आ चुकी हैं। उसकी इन तमाम हरकतों पर मुझे नागवारी सी महसूस होती थी। मेरा ख्याल मुझे परेशान करता। मेरे जैसे नफासत पसंद और ज़िम्मेदार बंदे के लिए इरसा जैसी पंचुअल, डिसिप्लिन्ड और सोबर लड़की होनी चाहिए। इरसा को हाई एजुकेशन का क्रेज़ था। उसकी ज़िंदगी का एक बाज़ या मकसद था जो उसे हासिल करना था। वो टाइम एंड स्पेस की कदर करती थी। जब बोलती तो मुकाबिल को लाजवाब कर देती, क्योंकि उसके पास दुनिया भर की मालूमात का ख़जाना था। वो हर मौजू पर बोलने का हुनर जानती थी। मुझे उसकी यही खूबियाँ अपील करती थी। हम दोनों की बचपन में ही मंगनी हो चुकी थी। शायद इसलिए हम दोनों एक दूसरे को समझते हुए साथ साथ एक जैसे ख्यालात मकासद लिए परवान चढ़े थे। हमारे मुस्तकबिल के ख्वाब भी एक थे। इरसा को चाय बनानी तक नहीं आती थी। उसकी ये बात मुझे बुरी नहीं लगती थी। और फिर इरसा हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चली गई। इरादा मेरा भी था, मगर पापा के इंतकाल के बाद मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। मेरा उसके साथ जाना नामुमकिन था और ये बात इरसा को नागवार गुजरी थी। वो मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ अपना हक समझती थी। मैंने 5 साल तक इरसा का इंतज़ार किया और उसने अपने सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करने के बाद वहाँ ही जॉब कर ली। मुझे अफसोस हुआ था, मेरी उसके नज़दीक इतनी भी अहमियत ना थी कि वो तालीम हासिल करने के बाद मेरे लिए लौट आए या कम अज़ कम मुझसे अपनी जॉब के लिए राय या मशवरा तो कर लेती। वो मेरी होने वाली शरीक हयात थी। मेरी मॉरल सपोर्ट ही ज़िंदगी के मुश्किल मुकाम पर उसके लिए सहारा बनती। सो मैंने यही सोचकर उसकी जानिब से दिल साफ कर लिया था। उसकी मोहब्बत दिल से नहीं निकली थी। और फिर मुझे UK बुलाने में नाकाम होकर इरसा ने शादी से ही इनकार कर दिया। उस वक्त मुझे धचका लगा। यही वो अरसा था जब नोमान पापा अपनी फैमिली के साथ 3 माह के लिए पाकिस्तान आए थे। मैं इरसा के इनकार के दुख में तकरीबन सभी से ही कट गया था, जिसकी वजह से घर वाले मलूल थे। सो अम्मा की नज़र इंतखाब घर के मकीनों में ज़िंदगी की लहर दौड़ने वाली खूबसूरत और शोखो चंचल सी नोमान पापा की जिया पर पड़ी। इरसा के रद्द करने से मुझे बेहद हिद्दत महसूस हुई थी। सो जिया के लिए मेरे हाँ करते ही अम्मा ने उससे मेरी शादी में देर न की। और उसी जल्दबाजी के नतीजे में 15 दिन बाद जिया से एक मजबूत शरई ताल्लुक़ कायम हो गया। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि इरसा ने हमेशा मेरी मोहब्बत की तोहीन की है। इस एहसास के हावी होते ही मुझ पर एक अजीब सी झुंझुलाहट तारी हो गई थी। इसी झुंझुलाहट में मैंने शादी की पहली शब जिया के जज्बातों एहसास की परवाह किए बगैर उससे न जाने क्या क्या कह दिया था। बेहद नपे तुले तख लहजे में उस छोटी सी लड़की के जवाब देने पर मेरी मर्दानगी, मेरी अना मज़ीद तिलमिला उठी थी। यह हो सकता था कि मैं चंद दिनों या हफ्तों बाद अपने नुकसान को नज़रअंदाज करके उसकी तरफ पलट जाता, मगर इसके बरअक्स मैं उससे बरगश्ता होकर सट मोहरी और गुरेज से उसके साथ पेश आने लगा। सितम तो ये कि जिया भी मेरे गुरेज पर मुझसे किनारा कश होकर बेनियासी बरत रही थी। मुझे और गुस्सा आता। मैंने उस पर मेहरबान ना होने का इरादा कर लिया, मगर ये इरादा चंद माह बाद ही भुरभुरी रेत साबित होकर मेरे अंदर ही ढह गया। कहते हैं निकाह के बोलों में बहुत ताकत होती है। ये दो मुखालिफ सिमतों के मुसाफिर को एक कर देते हैं। उनके दिलों को एक दूसरे के लिए
एहसास की नई लज्जत से आशना कर देते हैं। मेरा दिल भी जिया की तवज्जो पाने को हौंकने लगा था, मगर मैंने अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर ही दबाए रखा। जिया की मर्जी के बिना उसके सामने झुकना मुझे गवारा ना हुआ कि एक साल बाद इर्सा ने मुझे मेरे पीसी पर मेल की। वो अपनी गुज़िश्ता बदतमीजियों की माफ़ी मांग रही थी, मेरे लिए वापस आना चाहती थी। वो अपने किए पर नादिम थी, उसके दिल में मेरी मोहब्बत थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसके आने की खुशी नहीं हो रही थी। मगर जिया का कतन मेरे एहसासात तो जज्बात की परवाह न करना मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। जिया को अगर मेरी तलब होती तो वो अपनी मोहब्बत, नरमी और तवज्जो से मेरा दिल जीतने की कोशिश तो करती, इसके बरअक्स उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मुझे सिर्फ अपने कपड़े, जूते, मोजे और कपड़े की सफाई सुथराई तरतीब नहीं चाहिए थी, मुझे जिया की अपने लिए मुस्कुराहट, उसका जहनी और कल्बी साथ और उसकी मोहब्बत चाहिए थी, जो मुझे मैसर ना थी। और अब इर्सा आ रही थी। इर्सा को पाकर मेरी तिश्ना ख्वाहिशों की तकमील हो जाती, मगर दिल किसी तौर जिया से वाबस्तगी ख़त्म करने पर आमादा ना हो रहा था। दिल और दिमाग की इस जंग में दिमाग की फतह हुई और मैंने घर में ऐलान कर दिया, इर्सा वापस आ रही है, मेरी शादी उसके इल्म में नहीं, इसलिए मैं इर्सा के आने से पहले जिया को छोड़ना चाहता हूँ। फिर मैंने किसी की नाराज़गी की परवाह न की, मगर मैं ये ज़रूर सोच रहा था काश जिया को मुझसे ज़रा सा भी लगाओ, थोड़ी सी भी मोहब्बत होती तो उम्रें गुजार कर भी इस थोड़ी सी मोहब्बत के बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद में मैं जिया को कभी भी छोड़ने का ना सोचता। न जाने मैं अपने किस जज्बे की तस्कीन चाहता था। घर में ख़ास ख़ास मेहमानों से ही अच्छी खासी हलचल हो चली थी। पुप्पा जान, अरसला और अंजला की मंगनी करके वापस जाना चाहते थे, सो घर के मकीनों और नबीला पुप्पो के चंद ससुराली अजीज़ों को मधु करके एक सादा सी तकरीब मुनक्कद की गई थी, जिसमें अरसला को जाहिर से और अंजला को सिप्तैन से सौंप दिया गया था। सिप्तैन और वसीत चचा जान के अहकाम के मुताबिक तमाम काम खुश असलूबी से कर रहे थे। इसके बावजूद सिप्तैन की संजीदगी देखने से ताल्लुक़ रखती थी और उसकी संजीदगी को जिया और अंजला ही समझ रही थी। जिया तो सिर्फ उसे लफ्ज़ों से तसल्ली ही दे सकती थी, मगर अंजला ने उसके अंदर की टूट फूट को महसूस करके सोचा था, मैं बहुत जल्द सिप्त को इस तरह समेट लूँगी कि फिर उसे अरसला को खोने का मलाल बाकी न रहेगा। सिप्तैन ने अंजला के लिए इनकार के बजाय इकरार कर लिया था। यही सुनकर वो जी उठी थी, वो उसका हो जाएगा, यही खुशी उसके लिए हासिल ज़िंदगी थी। उसने सोचा वो उसे इतनी मोहब्बत, इतनी तवज्जो देगी कि उसके दिल में अरसला से होने वाली मोहब्बत ख़त्म ना सही धुंधली ज़रूर हो जाएगी, और उसके बाद अगर सिप्तैन एक बार दिल की तलब पर उसे निगाह भर कर देख ले तो ज़िंदगी के हर लम्हे की तिश्नगी मिट जाएगी। शाम गहरी होकर रात में ढल गई थी और दिलकश मंजिल में जैसे दिन का उजाला उतरा हुआ था। ऊपर स्याह आसमान और नीचे मरकजी सतून से निकलता छतरी नुमा ढेर सारे मरकजी बल्ब का जाल बिछा हुआ था। मुख्तलिफ फूलों और पत्तियों की मिली जुली खुशबू फिज़ा को मसहूर कुन बना रही थी। जिया तेज़ी से तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि बड़ी अम्मा ने उसे पुकार लिया। जिया, सब इंतज़ाम एक बार फिर देख लो, किसी चीज़ की कमी ना रह जाए कि मेहमानों को जहमत उठानी पड़े। मैं देख आई हूँ बड़ी अम्मा, सब कुछ ठीक है। आप ज़रा रयात को ताकीद कर दें कि वो जल्दी उन दोनों को तैयार कर ले, बाकी तजर्बात उन दोनों की शादी पर कर लेगी। वो हंसते हुए बोली तो बड़ी अम्मा भी मुस्कुरा दी। रयात, अरसला और अंजला ये ताज़ा तरीन सीखे हुए हुनर को आज़मा रही थी। रयात, अरसला और अंजला पर ताज़ा तरीन सीखे हुए हुनर को आजमा रही थी और दो घंटे से उन दोनों को मुकम्मल दुल्हन का रूप देने में कोशा थी। सिप्तैन को कह दिया तैयार होने के लिए? बड़ी अम्मा को पलटते पलटते याद आया तो जिया को एक बार फिर रोक कर पूछा और उसके इस्बात में जवाब देने पर बोली, चलो ठीक है, तुम भी तैयार हो लो, वसीत किसी काम से बाहर गया है, आ जाए तो उसे भी भेजती हूँ। जिया सर हिलाती कमरे में आ गई। वसीत का प्रेस किया हुआ शलवार सूट और दीगर ज़रूरी अशिया बाथरूम में पहुंचा कर वो तैयार होने लगी। वसीत कमरे में आए तो उसकी तैयारी आखिरी मराहिल में थी। वसीत की नज़र बे इख्तियार ठिठक सी गई। मैरून कलर की सिल्वर काम वाली साड़ी में उसके नाजुक सरापे की दिलकशी ने उनकी आँखों को एक अनोखी सी लज्जत से आशना किया था।
सादा चेहरे पर सिर्फ मैरून लिपस्टिक ने ही चेहरे को आम दिनों से ज़्यादा निखार बख्श दिया था। उस पर वाइट गोल्ड की ज्वेलरी, मैचिंग चूड़ियाँ, हर चीज़ उस पर सजकर उसके हुस्न को दो आतिशा कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे बैठे ही वो थोड़ा सा झुकी सैंडल का स्ट्रिप बंद कर रही थी। साड़ी का पल्लू बार बार सामने से फिसल कर उसके हाथों पर गिर जाता, जिसे वो एक हाथ से ऊपर भी करती जाती। जो ही वो सीधी हुई, वसीद की निगाहों का जाविया सरद से बदल गया था। जिया ने एक उचटती सी नज़र उन पर डालकर ड्रेसिंग टेबल से ब्रॉच उठाया और साड़ी का पल्लू संभालती सहज सहज आगे बढ़ी। पहली बार पहनी थी, इसीलिए चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे कपड़े? वसीद पूछते हुए उसकी पुश्त पर बिखरे बालों को देख रहे थे। वॉशरूम में हैं। उसके ज़रा सी तिरछी गर्दन करके कहने पर सीधी मांग में जमी बिंदिया चमकी थी। वसीद का दिल डौल गया। उसके कमरे से निकलने पर उन्होंने एक गहरी सांस भर के अपनी शर्ट उतार फेंकी। यह अना का कैसा खेल है कि वह हक रखते हुए भी उसको सराह नहीं सकते, निगाह भर कर देख नहीं सकते। अंजला और अरसला को स्टेज तक पहुंचाने के बाद वह अपना पर्स लेने कमरे तक आई तो दरवाजे से बाहर ही ठिठक गई। अंदर से इरसा की आवाज़ आ रही थी। अपना नाम समात ने पढ़ते ही एक तजस्सुस ने उसके कदम रोक दिए। उसने हल्का सा दरवाज़ा पुश किया। झरी बनते ही इरसा की आवाज़ बिल्कुल वाजिया हो गई थी। मासूमियत की इस निकाब के पीछे एक बेहद चलाक जिया छुपी है। कैसे बड़ी अम्मा के आगे पीछे फिर फिर कर और घर वालों से हंसी ठठोल कर करके सबके दिलों को मुट्ठी में कर लिया है और तुमसे बात तक करना गवारा नहीं करती। यू नो वसीद, मुझसे ऐसी ड्रामेबाजियाँ नहीं होती एंड आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इतनी दूर से अपना करियर छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई हूँ वसीद। उसकी आवाज़ थोड़ी बोझल सी हुई थी। जिया ने एक लम्हे के लिए चेहरा आगे करके झरी से देखा। वो वसीद का कॉलर ठीक करते हुए उसके बेहद करीब खड़ी थी और वसीद आईने में देखते बाल संवार रहा था। जिया के अंदर गुस्से की आग दहकने लगी। वसीद उसके शौहर थे, किस तरह वो किसी दूसरी औरत को उनके करीब बर्दाश्त कर लेती। ये परफ्यूम तुम्हारी चॉइस है? वसीद को परफ्यूम स्प्रे करते देख उसने पूछा। नहीं, जिया की है, वसीद ने जवाब दिया। मेरा परफ्यूम ख़त्म हो तो वही अपनी पसंद से लाती है। इरसा की बेबाकी उसे अच्छी ना लग रही थी। ओहो, तो तुम्हें भी उसकी हवा लग ही गई, वरना तुम्हें तो अपने फेवरेट कलोन के अलावा कोई खुशबू भाती ही नहीं थी। याद है जब मैंने एक मर्तबा तुम्हें परफ्यूम गिफ्ट किया था? तुम गिफ्ट देखने के बाद उसी रोज़ मेरे साथ जाकर वो परफ्यूम वापस करके अपना पसंदीदा परफ्यूम ले आए थे। वसीद ने ड्रेसिंग टेबल से वॉलेट और रिस्ट वॉच उठाई तो इरसा ने दोनों चीज़ें उसके हाथ से उछक लीं। वॉलेट उसकी कमीज की साइड पॉकेट में डालने के बाद रिस्ट वॉच उसके हाथ में पहना रही थी कि इससे ज़्यादा जिया से बर्दाश्त न हुआ। वो धड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वसीद ने अपना हाथ छुड़ाकर वॉच का क्लिप बंद किया था और इरसा ने बड़ी नागवारी से सर ता पैर उसे घूरा था। एक्सक्यूज़ मी, जिया ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ते हुए बोली तो वह दोनों पीछे हट गए। वसीद ने टेबल पर रखा सेल चार्जिंग पर लगाया। तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। वो पर्स उठाकर पलटने लगी कि इरसा आग उगलते अंदाज से फौरन टोक कर बोली, अपने कमरे में आने के लिए मुझे किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये काम आपको करना चाहिए था, मगर आप तमीज़ो तहजीब से ना आशना लगती हैं। जिया कहकर रुकी नहीं, इरसा सीख पा हो गई। देख रहे हो वसीद, इस छटाक भर की लड़की ने मेरी इंसल्ट की, मुझे इल मैनर्ड कहा और तुमने उसे कुछ नहीं कहा। प्लीज़ कूल डाउन इरसा, वसीद ने बमुश्किल उसे ठंडा किया। वो उससे कह ना सके कि डाइट स्केल और योगा के ज़रिए अपनी फिटनेस बरकरार रखने वाली जीन्स और शॉर्ट शर्ट में मलबूस, गले में रुमाल डाले, शोल्डर कट बाल झटक कर नखुवत से बात करने वाली दुबली पतली कम उम्र नज़र आने के तमाम गुण आजमाती इरसा की बजाय
मशरक़ की बीवी के रूप में ढली बाहया सी जिया ने आज उनके सारे इख्तियारात गिरवी रख लिए हैं। अब तो बस वो मुंतज़िर हैं जिया उन्हें कोई एक इख्तियार तो दे। माशाल्लाह मेरे बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। भीगती खनक होती रात में छत पर खांसी गहमा गहमी थी जब ये रस्म करते हुए चची जान ने सिप्तैन और अंजला की बलाएं ले डाली। अंजला ने उनकी तौसीफ पर एक पल को निगाहें उठाकर सिप्त को देखा और फिर दिल की धड़कनों को संभालती पलकें झुका गई। वो मैरून और गोल्डन पशवाज और चूड़ीदार पजामे में सजी संवरी नज़र लग जाने की हद तक अच्छी लग रही थी, तो इर्सला भी गोल्डन कलर के आर्गेंजा के फुल कढ़ाई वाले कुर्ता दुपट्टा और गोल्डन ही जामावार की तंग पाइंटों वाली शलवार जेब तन किए कुछ कम नहीं लग रही थी। जाहिर के घर वाले खटाखट उसके मुख्तलिफ पोज हैंडी कैम के पता नहीं बस कैमरे में कैद कर रहे थे, तो पा इतने फजूल गप्पे मारी हुई हैं। सनी, वसीत ने बड़ी उजलत में किसी के पास जाते सनी को पुकारा, मेरे कमरे से ज़रा मेरा मोबाइल ले आओ। रात के 10 बज रहे थे, उन्हें किसी को कॉल करना याद आया तो इल्म हुआ अपना सेल चार्जिंग के लिए रख छोड़ा था। प्लीज़ बिग बी जस्ट 2 मिनट्स, उसने उंगली के इशारे से 2 मिनट रुकने का इशारा किया था। वसीत सर हिलाते हुए दूसरी सिम मतवजा हो गए और 2 की बजाय 10 मिनट बाद वो उनका सेल फोन लेकर आया तो उसके स्क्रीन टाइटल पर बेतहाशा हंसती हुई जिया की पिक्चर थी। उन्होंने सर उठाकर सनी को देखा, वो गायब हो चुका था, यकीनन ये उसी का काम था। वो एक साइड को होकर चंद लम्हे जिया को देखते रहने के बाद उसकी तस्वीर डिलीट करना चाहते थे कि उनका अंगूठा बटन पुश करने लगा और जिया के मुख्तलिफ खूबसूरत पोज एक के बाद एक स्क्रीन पर वाज़ेह होते गए। कुछ सोचकर उन्होंने मोबाइल ऑफ करके अपनी पॉकेट में रख लिया। इन पिक्चर्स से साफ जाहिर था ये उसके इल्म में लाए बिना उतारी गई थी। 1 बजे जाहिर के घर वालों ने कयामो ताम के बाद इजाज़त चाही तो बड़ी अम्मा और नबीला पप्पो वगैरह ने भी सबको कुछ ज़रूरी काम निपटाने के बाद अपने अपने कमरों में जाकर आराम का हुक्म दे दिया। रात गहरी हो गई थी और उन्हें तकरीबात वगैरह में भी ज़्यादा देर तक के रज्जगों से कोफ्त होती थी। सब मेहमानों को सोने के लिए उनके ठिकानों तक पहुँचा कर जिया 2:30 बजे अपने कमरे में आई तो बदन थकन से चूर हो रहा था। बमुश्किल बार बार आने वाली जमाइयाँ रोक रोक कर उसने ज्वेलरी उतारी, वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रही थी कि लाइट चली गई। उसका दिल खौफ से रुकने लगा, अंधेरे से उसकी जान जाती थी। 2 मिनट तक बेजान कदमों के साथ आंखें बंद किए किसी के आ जाने की दुआएं मांगती रही, तभी वसीत के आने की उसे खबर न हुई। वसीत की आंखें अंधेरे से कुछ मानूस हुई तो वो आगे बढ़े। जिया को अपने कांधे पर दबाव महसूस हुआ तो दहशत से उसकी चीख निकल गई, साथ ही हाथ हटते ही उसके थोड़ा पीछे हटने से अलमारी का पट बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ सन्नाटे में गूंज गई थी। स्टॉप इट जिया, ये क्या बचपना है, वसीत की नागवार सी वाजिया आवाज़ सुनाई दी तो सीने पर हाथ रखे जिया की तसल्ली भरी एक सांस खारिज हुई थी। चार्जर लाइट कहाँ रखी है, उन्होंने पूछा। वो तो ख़राब है, चार्ज नहीं कर रही थी, सनी उसे बनने के लिए दे आया है। ओह, वसीत सर झटकते हुए बाहर जाने को पलटे कि जिया ने उनका बाजू थाम कर रोक लिया। प्लीज़ वसीत, आप मत जाएं, मुझे डर लग रहा है। वसीत ने ज़रा सा रुख मोड़ कर अपने पीछे खड़ी जिया को इल्तिजा करते देखा था। मोमबत्ती वगैरह है जी, साइड टेबल के दराज में शायद हो, जिया के कहने पर उन्होंने साइड टेबल के दराज में टटोला तो मोमबत्ती और माचिस मिल ही गई। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर सोफे की साइड में रखी, टेबल पर रख दी
जिया वहीं सोफे पर बैठी थी। कमरे में इतनी रोशनी हो गई थी कि एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया जा सके। जाओ चेंज कर लो। वसीद बाथरूम से चेंज करके आए तो उसे भी कहा, मगर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। लाइट आ जाए तो कर लूँगी। उसने एक नज़र पिघलती हुई मोमबत्ती को देखा और दूसरी नज़र में बाथरूम के अध खुले दरवाजे से झांकते अंधेरे के भूत को देखते हुए जवाब दिया। वसीद चिढ़ गए। वहाँ कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, चेंज कर लो और ईजी होकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वो कमरे से निकलने लगे कि जिया एक बार फिर हरकत में आ गई। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मुझे अकेले डर लगेगा। वो दरवाजे के आगे खड़े होते हुए मिनमिनाई। वसीद को इल्म था वो अंधेरे से बहुत डरती है। ओ गॉड, वो उसे तेज नज़रों से घूर कर सर झटकते हुए पलटे, बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। खिड़कियों के पर्दे पूरे समेट दिए। चांद की रोशनी ने भी कमरे में अच्छा खासा उजाला कर दिया था। मोमबत्ती जलने पिघलने के आखिरी मराहिल में थी। बेड पर लेटे वसीद को नींद के झोंके ने आ लिया। जिया हनूज पैर सोफे पर समेटे बैठी हुई थी जब मोमबत्ती की लो मेज़ की सतह से लगकर मद्दम होती गई तो वो उठी। वसीद, जिया ने ज़रा झिझक कर उनका बाजू हिलाया। वो गहरी नींद में थे। बमुश्किल नींद से बोझल आंखें खोलकर पास खड़ी जिया को देखा। लिपस्टिक की ताजगी अभी भी बरकरार थी, जैसे अभी अभी लगाई गई हो। साड़ी का बेतरतीबी से रस्सी बनाकर आंचल बाएं शाने और पुश्त से होता उसकी दाईं मुट्ठी में दबा हुआ था। जिल्द का सुनहरापन मोमबत्ती की दम तोड़ती लो में भी जगमगा रहा था। चंद साथ उसे देखते रहने के बाद उनकी नींद कतई तौर पर गायब हो गई थी। रोशनी बुझ गई, मगर एक चांद कमरे के अंदर और दूसरा खिड़की के शीशों के पार आसमान पर रोशन था। क्या बात है, उन्होंने सरकश निगाहें चुराते हुए पूछा था। लाइट नहीं आ रही और आप भी गहरी नींद सो गए। आपको सोना है तो आप मुझे बड़ी अम्मा के पास छोड़ आए, मैं उनके पास सो जाऊंगी। वो मासूमियत से पलकें झपकाई बोली। उफ, रात के इस पहर में तुमसे किसी अच्छी बात की तवक्को की भी नहीं जा सकती, वो चिढ़कर बोले। और मैं तुम्हें छोड़ने जैसा कोई फजूल काम नहीं करूंगा। इधर मेरे बराबर में आकर सो जाओ। मगर आपको तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी, ये तुम्हारी ही जगह है। तुम्हें शौक है अपनी जगह छोड़कर इधर उधर रुलने का। जाने कैसे आज वो चिढ़ने के अंदाज में से ही इतनी बातें उसे कह गए थे। जिया उनकी जो मायनी बातें समझ रही थी। वो लबों पे मचलते तबस्सुम को दबाए घूम कर बैठ के दूसरी तरफ आकर लेट गई। दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश अपनी धड़कनों को महसूस कर रहे थे। तमन्नाओं का जुगनू मुट्ठी में कैद पड़ा रहा था। दफातन वसीत अपनी जगह से उठे। जिया ने भी करवट बदली। दोनों की अना का पंछी उड़ान भरकर अंधेरे कमरे से निकल गया। वसीत ने खिड़की के पर्दे बराबर कर दिए। जिया को चेहरे और बाजुओं पर एक मानूस सा लम्स महसूस हुआ था। फिर दोनों की धड़कनें हम आहंग हो गई थीं और उस सोई हुई रात में इस्तेहकाक का सच्चा एहसास जाग उठा था। जिया, बहुत खुश लग रही हो, अंजला ने पूछा था। वो और अंजला सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। क्यों? क्योंकि तुम दोनों को कराची में ही अपना अपना ठिकाना मिल गया है। उसने बॉईल किए हुए अंडों को कट लगाकर काली मिर्च छिड़कती अरसला को चुटकी भरी दी। लो जी, इस बात पर तो हमें खुश होना चाहिए। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। गंगा नहीं, गंगा। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, अरसला ने उसकी बात पर लुत्फ लेते हुए कहा था। बाय द वे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने ठिकाने की खुशखबरी मिली हो और आप हमें बेवकूफ़ बना रही हो। मेरा ठिकाना तो यही घर है, इस बात का मुझे हमेशा से पता था और है। क्यों बड़ी अम्मा? पराठों का हॉट पॉट टेबल पर रखते हुए हाथ तो हाथ उसने बड़ी अम्मा से ताई चाही थी। इर्सा ने बड़ी कांटदार नज़रों से उसे देखा था जो बड़ी अम्मा की मोहब्बत समेट रही थी। जाओ जाकर वसीद को जगाओ, उससे कहो सबके साथ ही नाश्ता कर ले, उन्होंने वसीद को गैर हाजिर देख कर जिया से कहा था। आप लोग नाश्ता शुरू कीजिए बड़ी अम्मा, अगर वसीद जाग भी गए तो उन्हें टेबल तक आने में 15 मिनट ज़रूर लगेंगे। जब तक आप लोगों का नाश्ता ठंडा हो जाएगा,
बात के दौरान उसकी हंसी की छनकार ने इर्सा को चौंकाया था। जिया कमरे में आई तो वसीद को आईने के सामने खड़ा पाया। वो अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ रहे थे। आहट पर जिया को देखा, दोनों की निगाहें मिली तो दोनों ने ही सरद से निगाहें चुरा ली। जिया नीचे जाते हुए वसीद के पास रखी घड़ी का अलार्म लगा के गई थी। तवक्को के मुताबिक वसीद उठ चुके थे। नीचे आ जाइए, सब नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तौलिया अपने शानों पर फैलाकर वह ब्रश उठाकर बाल संवारने लगे। जिया सर हिलाती पलट गई तो उन्होंने आईने में बगौर अपनी आंखों को देखा। आज की नींद से जागने का जी नहीं चाह रहा था, मगर उठना पड़ा। उनके लबों के कोनों में मुस्कुराहट सी थी। रत जगे के आंखों में सुर्ख डोरे बड़े वास्य थे। उन्होंने आंखें मीच कर चश्मे तसव्वुर में जिया को देखा था। उन्हें अपना हक इस्तेमाल करने पर कोई अफसोस ना था, क्योंकि उसमें जिया की भरपूर रजामंदी भी शामिल थी। वो शर्ट के कफ लिंक्स फोल्ड करते हुए नीचे आए तो जिया के बराबर में बैठी रयात ने अपनी कुर्सी खाली कर दी। बैठी रहो रयात, आराम से नाश्ता करो, उन्होंने उसे रोका था। मैं कर चुकी हूँ, बस चाय पीनी है, आप बैठ जाए। रयात छोटी प्लेट उठाने लगी। वसीद सर हिलाते हुए कुर्सी खींच कर बैठ गए। वो खुश थे, उनका जहनो दिल आसूदा था, इसलिए उन्हें आज इर्सा की तरफ देखने का भी ध्यान न आया, जो उन दोनों को साथ देखकर पेचोताप खा रही थी। बिग बी, तस्वीरें कैसी हैं? नाश्ता करते हुए सनी ने शरारत भरे लहजे में पूछा था। नाश्ता करो चुप करके, वसीत ने उसे डपट दिया। वो नहीं चाहते थे जिया के इल्म में ये बात आए। सिप्तैन तमाम कजन्स को ट्रीट दे रहा था। जिया बहुत दिल लगा कर तैयार हुई थी, इसलिए नहीं कि वो खुश थी, बल्कि वो इर्सा को कुछ पावर कराना चाहती थी। हल्की एम्ब्रॉयड्री वाले सूट में मलबूस नेचुरल मेकअप और दीगर अहम लवाजमात के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो पानी पीने के लिए किचन में गई तो इर्सा पहले से वहाँ मौजूद थी। उसने जिया की तैयारी को बड़ी तनकीदी नज़रों से देखा था। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें कि यह घर तुम्हारा ठिकाना है। उसकी सुबह की बात वो भूली न थी, इसलिए मौका मिलते ही उसके मुकाबिल आ गई। खुशफहमी नहीं, यकीन है, और जिस बात का यकीन हो वो कभी भी गलत साबित नहीं होती, जिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। और इतना यकीन क्यों है तुम्हें? इर्सा के सवाल में तमस्कुर था। क्योंकि मुझे वसीद से अटूट मोहब्बत है, और मेरी मोहब्बत आपकी मोहब्बत की तरह मादियत परस्त है, ना ही मुस्तकबिल के नाम पर व्यापार करने वाली है। मुझे टूटे बिखरे वसीद से मोहब्बत हुई थी, जिसे आपने मोहब्बत का धोखा देकर तोड़ा था और मुस्तकबिल के लिए किनारा कशी कर ली, जिया सुकून से कहती गई। मतलब क्या है तुम्हारा इन बातों से? इर्सा की हद दर्जे नागवारी उसकी पेशानी के बलों से साफ जाहिर थी। मतलब ये कि आपको खुद से मोहब्बत है न वसीद से, आपको सिर्फ इस दौलत से मोहब्बत है जिसके ज़रिए आप दुनिया का ऐशो आराम जी सके। यूके में आपने तालीम हासिल की, और इसी दौरान 50 साल बूढ़े क्रिश्चियन डेविड के घर हाउसवाइफ की जॉब कर ली। डिग्री के बलबूते पर तो आप कभी भी इतनी दौलत नहीं कमा सकती थी जितनी साल भर में आपने उससे वसूल कर ली थी। अब आप उसे डिवोर्स देकर वसीद को बेवकूफ़ बनाने आ गई हैं, हाँ? तुम्हें ये सब मालूम कैसे हुआ? इर्सा का चेहरा मुतगयर हो गया था। उसे खतरा लाहक हुआ कि ये तमाम बातें जिया को मालूम है तो किसी और को भी मालूम हो सकती हैं। फिर क्या अम्मी और पापा मेरी यह खता कभी माफ़ कर पाएंगे? वो तो अभी भी मुझसे नाराज़ हैं, वो सोच रही थी। जिया इत्मीनान से बोली, वसीद के पीसी पर आपके नाम धमकियों भरी मेल आई थी आपके सबका शौहर की, जो मैंने निकाल ली। वसीद को इस बात का इल्म नहीं है। आप मेरे और वसीद के दरमियान से हट जाएं। किसी को भी इल्म नहीं होगा कि आप गुनाह की किस दलदल से निकल कर आई हैं और आपके मकासद क्या थे। अलबत्ता अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, ताकि आपकी आगे की ज़िंदगी के रास्ते में पड़े गुनाह के पत्थरों से आपको ठोकर न लगे। कहते ही जिया किचन से निकलने लगी। और अगर मैं वसीद और तुम्हारे बीच से ना हटूं तो?
जिया ने इर्सा की कमज़ोर सी आवाज़ सुनी थी। आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आप हार चुकी हैं। जिया ने उसकी पहले की कही बात का जवाब दिया था। वसीत की मोहब्बत पर अब सिर्फ मेरा हक है। औरत अगर अपना हक लेने पर आए तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वसीत ने आपके पीछे हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी का जो अच्छा वक्त बर्बाद किया, मैं उसे माफ़ कर चुकी हूँ। इर्सा के अंग अंग में शिकस्तगी और थकन भर गई। वो तो अपना मकसद हासिल करने के बाद नफ्स के भूखे जंगली और वहशी डेबिट से पीछा छुड़ा कर महज़ब और नफीस से वसीत के साथ पुराने बाप को पोशीदा रख कर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मगर सच है, बुरे को अच्छा नहीं मिलता, यही ज़िंदगी है। किसी ने पा लिया, किसी ने पाकर खो दिया। रात वसीत बेहद संजीदगी से कह रहे थे, अब सनी से इमरजेंसी लाइट मंगवाने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना, मैं वाकई गलती पर था, शराब के पीछे भाग रहा था। यूं भी अब मेरा तुम्हारे बिना ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। जिया मुंह खोले उन्हें देख रही थी। वसीत, वो चीखी, आप स्टापलेस के किरदारों की तरह पीछे से हमारी बातें सुन रहे थे? उसकी बात पर वसीत ने बड़ा बेसाख्ता कहकह लगाया था। खत्म शुद। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द नोवेल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी, एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।